छह सात महीने लगेंगे और ये प्रैक्टिस तुम रोज करते रहोगे तो यू विल बीट ऑल द ट्रेडर्स बस ये बेसिक चीज करके ये बेसिक चीज करके आज मैं ना एक बार तुम्हारे पॉडकास्ट पे एक स्ट्रेटेजी दे के जाता हूँ ये दे। मैंने कहीं नहीं दी ये दे जाओ ताकि बंदों हो अच्छा पैसा बन जाए पैसा सौ करोड़ की जर्नी शुरू कर देंगे आज से आप दोनों ये नहीं करते नहीं। टिप तुई दे दे, तुई बता ना, क्या करना कर कर नहीं नहीं कर कर तो है खाना नहीं बनेगा घर में उस दिन ये हाल हो जाएगा <laughs> अरे कुछ तो शर्म कर लो भाई हो मतलब मेरी बीवी को अगर आज मुझे अपने बच्चों की मैरिज करनी होगी ट्रेडर से तो मैं बिल्कुल ये देखूंगी की उसके पास और कोई स्किल सेट है या नहीं है

पहली चीज जिसे ट्रेड करना है हाँ। ना मार्केट देखनी है ना टीवी देखना है ना न्यूज पढ़नी है ना कुछ करना है इंडिकेटर भी नहीं नहीं जो मेरा चार्ट बोल रहा है मैं उसको देखूंगा आज आप बस चार्ट देखते हो चार्ट कह रहा है ऊपर मतलब कि बाजार ऊपर है चाहे कोई मर रहा हो कोई जी रहा हो कोई वार हो रही हो कुछ हो रही हो तो क्या आज इतना कॉन्फिडेंस रखती है कि अपने बच्चों को सजेस्ट करेंगे यार तुम भी एक छोड़ो मतलब अपनी गार्डनर की जॉब छोड़ो या अपना कॉलेज छोड़ो आओ ट्रेडिंग कर लो ना हम दोनों कर रहे हैं तुम भी कर लो आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं मार्केट में हमारा बेटा भाई सब बिल्कुल सेट हो रहा है अभी उसने क्लास ट्वेल्थ की है हाँ। हम उसे ट्रेडर ही बनाएंगे आज मान लो मैंने सुबह 9:00 बजे पोजीशन बनाई हाँ। और मुझे 11:00 बजे तक 70000 80000 लाख रुपए 60000 रुपए दिखाई दिए

हाय नमस्ते नमस्ते नमस्कार दीपक जीजा जी बहुत बहुत स्वागत है बतलाइए में uh, काफी और टाइम तो हम नॉर्मल और बातें करते हैं बट आज ना काफी ऐसे मिसकंसेप्शन तोड़ेंगे काफी नई नई चीजें निकालेंगे कई लोगों को भ्रम है कि यार ट्रेडिंग तो बहुत आसान है मैं बताता हूँ ऐसे क्यों कह रहा हूँ और मान लो आज ना कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है मान लो नीट कैट कुछ भी कर रहा है या फिर अपना करियर बनाना चाहता है कुछ कॉलेज में है प्लेसमेंट जॉब अगर उन सारी चीज़ों में अनसक्सेसफुल है मतलब कुछ उनमें से अच्छा नहीं कर पा रहा और वो चाहते हैं कि यार अब इजी करियर ऑप्शन पे जाता हूँ कहीं ऐसा जाता हूँ जहाँ पे बहुत इजीली पैसा बन जाए उसके माइंड में क्या आएगा आप बताइए आज के बच्चे में मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग आएगा एक डीमेट अकाउंट खोलना है और आपकी ट्रेडिंग शुरू सॉरी अब आप ही बताइए कि क्या ये वर्थ है क्या ये प्रॉफिटेबल है क्या कोई भी आ सकता है तभी तो सेवी और एन एस सी मिल के ये दोनों ये कह रहे हैं क्या? कि नब्बे परसेंट लोग लॉस में हैं जैसे ही आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं पासवर्ड डालते हैं एक स्क्रीन पॉपअप होती है हाँ. कि नाइन आउट ऑफ टेन ट्रेडर आर इन लॉस सो यूज योर मनी वाइजली ट्रेड वाइजली कहने को बहुत आसान है कि जहां मैं बाय करके बैठा था वही सेल कर देता तो पैसे बन जाते हाँ, कितना आसान है सुनने में मतलब सुनने में कितना अच्छा लगता है कि बस यूँ की जगह यूं ही तो बैठ इट इज वेरी सिंपल करेक्ट रिलायंस मैंने खरीदा वो गिर गया खरीदने की बजाय बेचना ही तो था पैसा बन जाता हुँ. लेकिन होता क्या है आप ये देखो कि नाइनटी थ्री परसेंट पीपल आर थिंकिंग इन द सेम वे मार्केट मार्केट आपको इस तरह मकर जाल में फंसाती है कि नाइनटी थ्री परसेंट पीपल आर थिंकिंग इन द सेम वे ये कोई नहीं सोच रहा ये कोई नहीं सोच रहा जहां से आपको लग रहा है बाजार बढ़ेगा वहीं से ही वो गिर जाता है और जहाँ आपको लग रहा है बाजार गिरेगा वहीं से ही बढ़ जाता है और ये क्यों है क्योंकि हम ना प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो सब चीज फॉलो करते हैं अब फॉलो में क्या हो रहा है कि जो सपोर्ट आपको दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा है इन्हें भी दिख रहा है सबको दिख रहा है और वो उसे भी दिख रहा है जो मार्केट को चला सकता है जिसके पास बड़ा पैसा है हाँ। बस वो वहीं पे जहां आप बाय करते हो वहीं से सेलिंग शुरू कर देता है आपका उसका मुनाफ़ा, उसका मुनाफ़ा, आपका लॉस उसका उसका मुनाफा मुनाफा आप इतना अच्छा मार्केट में क्योंकि आप खुद भी फ्यूचर करती हैं तो क्या आज आप कॉन्फिडेंस रखती है कि अपने बच्चों को सजेस्ट यार तुम भी एक छोड़ो मतलब अपनी गार्डनर की जॉब छोड़ो या अपना कॉलेज छोड़ो आओ ट्रेडिंग कर लो ना हम दोनों कर रहे हैं तुम भी कर लो कॉन्फिडेंस मार्केट में हमारा बेटा भाई बिल्कुल सेट हो रहा है अभी उसने क्लास ट्वेल्थ की है हाँ। हम उसे ट्रेडर ही बनाएंगे अच्छा आपने सोचा है क्या बिल्कुल ट्रेडर हमने ही क्या सोचा है वो ही सोचवा रहा है <laughs> उसको हम इतना कह चुके हैं कि तू और कुछ करना चाहता है नहीं मुझे ट्रेडिंग ही करनी है एंड ही इज़ वेरी पर्टिकुलर लेकिन हाँ एक बात है हुँ. मैं ये कहूँगी कि अगर कोई इसमें आना चाहता है तो उसका सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास ना कोई बैकअप होना चाहिए सिक्स मंथ्स का हम अच्छा. ये सोचें कि जैसे एक एम की डिग्री है आप पाँच साल मेहनत करते हो तब आप डॉक्टर बनते हो ट्रेडिंग में आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आए और आपने दो महीने काम किया और आप परफेक्ट हो जाओगे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है आप hmm. सारे अप्स एंड डाउन्स देखोगे थ्रू आउट द ईयर आपको पता चलेगा अब आज की ही मैं बात आपको बताऊं आज हम बैठे हुए हैं आज मार्केट दस परसेंट गिरी है राइट टूडेज हाँ ब्लंडर ब्लड बात है आज ठीक okay. है अब ऐसे में आपको ट्रेड लेना है ऑप्शंस में या नहीं लेना है ये सिर्फ आप एक्सपीरियंस से सीखोगे जैसे जैसे इन्होंने कहा मेरे बेटे के पास एक बैकअप है कि दीपक बैठे हुए हैं लेकिन बिल्कुल जो एक यंगस्टर है जिसके पास कोई बैकअप नहीं है सिक्स मंथ्स का तो उसे डायरेक्ट ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए एक पैसिव इनकम उसकी होनी चाहिए ताकि अगर वो लॉस ले ले तो वो आगे अपने आप को सस्टेन कर सके ओके okay.

ऐसा नहीं कि एकदम से बड़ा पैसा डाल दिया जाए इससे ना मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है जो बाद का था बट तो मैं अभी ला रहा हूँ उसको और आपके लिए सर हो आपको मैंने कई बार बोलते हुए सुना है कि आपने अब ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली है जहाँ पे आपको लॉस होगा ही नहीं ये तो कभी मैं भगवान थोड़ी पर आपने नो लॉस ऐसे कुछ आपने मैं कभी नो लॉस की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है अच्छा मुझे ये पता होता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है अच्छा कैपिंग है वो बस कैपिंग है ओके मतलब जैसे मैं आज आपके यहाँ यहाँ आ गया और मेरी पोजीशन खड़ी है मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है अच्छा सो आई एम प्लेइंग ऑन हेजेस मैं कभी भी नेकेट पोजीशन लेके नहीं जाता आज जैसे इंसिडें के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जाता जो मेरी हमेशा पोजीशन जो है वो हैज होती है और हेज में मुझे ये पता होता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है अब मान लो आज आप पाँच करोड़ रुपये लगा के बैठे हो मार्केट में ठीक है और आपको ये पता है कि बाजार चाहे यहाँ से जीरो भी हो जाए मेरे तो दस ही लाख जा सकते हैं तो आपको टेंशन ही नहीं है क्योंकि आपको मैक्सिमम पता है ना दस के जाएंगे, है तो दैट इज़ तो दो तो नंबर मुझे पाँच पे दस जाएंगे, कुछ नहीं होता नहीं नहीं, नहीं, आपके आप, लिए है नहीं सवाल इजी नहीं है सवाल ये एक करोड़ वाले के लिए दो लाख है पचास लाख वाले के लिए एक लाख है समझ गया आप रिलेटिव रिलेटिव देखो ना उसको तो अगर मैं दो परसेंट कैपिटल के रिस्क पे हूँ तो मेरा कोई रिस्क नहीं है क्योंकि मैं अगर मान लो बीस से चौबीस परसेंट या अट्ठारह परसेंट कमाता हूँ तो दो परसेंट है कैसा लॉस है मैं कवर कर सकता हूँ हाँ मैं बीस परसेंट रिस्क पर हूँ तो देन इट इज वरी सम क्योंकि तो तो, मैं अगर आज लॉस ले लूँ बीस इसको रिकवर करने में एक साल लगेगा तो मेरी तो मेहनत खराब था। हो गई पूरा साल खराब हो गया करेक्ट तो यू हैव टू टेक स्मॉल लॉसेज एंड यू हैव टू टेक

बट अगर बाजार 100 200 500 की रेंज में रहता 200 पॉइंट 300 पॉइंट तो हम जरूर डी अच्छा में लोग तो लॉस ही करते हैं देखो पहले में भी लॉस लेता था वो क्यों लेता था यहाँ पे अभी बाजार मान लो मैं पचास हजार खड़ा है ठीक है ढाई सौ पॉइंट गिरा और अब तो उस मंदी आ गई मंदी आ गई गिर गया बस खत्म अब आज ही जीरो होना है हाँ। बस भाई सब सेल में बैठ गए वहाँ से वो सौ पॉइंट नीचे गया पता लगा वो तीन सौ पॉइंट ऊपर आ गया अब मैं वहाँ पे तीन सौ पॉइंट का फिर लॉस लिया फिर मैं लॉन्ग हो गया हुँ, हुँ। इसके लिए मेरे एक वो है मैंने पहले सौ रुपये पे एंट्री करी मैं एक पे निकल गया बाजार एक आ गया मैं एक में घुस गया क्योंकि मुझे फोमो हो गया मैं जैसे ही 120 पे घुसा बाजार 85 आ गया मैं फिर निकल गया बाजार फिर सौ पे आ गया मैं फिर सौ पे घुस गया बाज़ार फिर 85 आ गया मैंने फिर 85 पे निकल गया अब मुझे लगा कि बाज़ार 120 जाएगा तो मैं उस लिए फिर से लॉन्ग हो गया पता लगा वो 70 आ गया अब मैं फिर शॉर्ट हो गया पता लगा वो एक आ गया तो मतलब मैं लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट उतारा बाजार वहीं घूम है ये लर्निंग आपके लाइफ में भी आई है तो ये लर्निंग है कि एक डायरेक्शन पकड़ लो लॉन्ग बैठना है शॉर्ट बैठना है जो बैठना है वो बैठ जाओ okay. और उसका हेज ले लो रा देन स्विचिंग अगेन लॉन्ग टू शॉर्ट शॉर्ट टू लॉन्ग लॉन्ग टू शॉर्ट शॉर्ट टू एक डायरेक्शन विद हेज शांति से बैठना है बस दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग जो मैंने आज तक कहीं नहीं बोला वो यहाँ बोल के जा रहा हूँ दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग चूज योर डायरेक्शन चूज योर डायरेक्शन विद विद्ज एन यू विल मेक मनी दीपक जी ये बात बताओ आप 2015 में एंटर हुए आज 25 होने है दस साल होने वाले, वाले लगभग मार्केट में कोई डिफरेंस देखा कुछ आपने फील किया जैसे भाई अब एक तो डिफरेंस ये कि अब इतने इन्वेस्टर आ रहे हैं हर साल इतने डीमेट इतने म्यूचुअल फंड देखो ऐसा जलो मैं ना सिंपल सी एक बात कहता हूँ मेरे से वैसे बहुत समझदार और बड़े ज्ञानी लोग हैं जो मार्केट पर रोज एक नई स्टेटमेंट दे देते हैं कि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहा है मार्केट का विक्स चेंज हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है और मैं ये कहता हूँ कि मार्केट से ज़्यादा इजी कोई चीज़ नहीं है रुपए में लेना है सवा में बेचना है इससे ज़्यादा कोई अकल लगानी नहीं है मेरे एक जानने वाले अपने खुद के मेरे एक जानने वाले अंकल हैं वो 1970 से ही इज़ ए ट्रेडर 1970 जी और वो क्या करते हैं वो दस शेयर रिलायंस के ले दे पाँच शेयर इसके दे दे दस शेयर इसके ले ले बीस शेयर इसके रोज बास्केट भर के सामान घर ले आते हैं किसी पे तीन परसेंट पांच परसेंट आठ परसेंट मिला वो दे दिया फिर कुछ ले लिया फिर दे दिया फिर कुछ ले लिया फिर दे दिया पढ़े लिखे तो मैं ये नहीं कहूँगा बेपढ़े लिखे हैं ग्रेजुएट तो हैं है ही हैं लेकिन पिछले पचास साल से वो अपना घर सिर्फ स्टॉक मार्केट से चला रहे हैं उनको ये नहीं पता फ्यूचर क्या है उनको ये नहीं पता ऑप्शन क्या है ही इज ओनली डूइंग स्टॉक्स अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं 1970 से करते आ रहे हैं जी और तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था फॉर योर इन्फॉर्मेशन और वो जो है क्या नाम है जैसे उन्होंने आज सौ शेयर रिलायंस के ले लिए सौ रुपए बढ़ गया पचास रुपये बढ़ गया दे दिए फिर कुछ और ले लिया तो वो कहते हैं बेटा मैं ना ऐसे लगाता हूँ मतलब मैं अल्फाबेटिकली नहीं लगाता अपनी लिस्ट को मैं लगाता हूँ सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा हुआ और सबसे ज्यादा कौन सा गिरा हुआ है मतलब वो अच्छा। परसेंटेज वाइज हाँ। तो मान लो शेयर ए सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है तो उनके पास वो होगा ही होगा तो वो बीस पचास शेयर दे दिए उन्होंने ठीक है और जो सबसे नीचे गिरा हुआ है वो पचास शेयर ले लिए वो सिर्फ ये रोटेशन करते रहते हैं और वो कह रहे हैं कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है वो भी मेरे पास है जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है वो मैं ले रहा हूँ और वो कह रहे हैं तुम्हें छः सात महीने लगेंगे और ये प्रैक्टिस तुम रोज़ करते रहोगे तो यू विल बीट ऑल द ट्रेडर्स बस ये बेसिक चीज करके ये बेसिक चीज करके कोई अब इसमें करकेगाऊ नाम कह रहे हैं चार्ट गया ऐसी मुझे कुछ करना ही नहीं हाँ। अच्छा शेयर अच्छे प्राइस पे मैं ले रहा हूँ मैं क्यों ना लू और आज से पहले लोग ऐसे ही ट्रेड किया करते थे भाई ये तो भी पिछले दो पांच साल दस साल से चार्ट और ये प्राइस एक्शन और ई और इंडिकेटर और ये सब आया है उससे पहले तो ये देखते थे लोग भाई अच्छा जब मेरे को वो भी दिन याद है हम इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा करते थे उसमें यहाँ आता था ओपन हाई लो क्लोज ये रेट आया और उसमें पूरे जितने भी मार्केट में ट्रेड होते थे शेयर वो ढूंढने पड़ते थे लेंस लेके अच्छा बारीक लिखा होता था उसमें ये प्रैक्टिस याद है आपको तो वो भी दिन देखे हैं मैंने स्टॉक मार्केट के तो ऐसा कुछ नहीं है मार्केट वही है सिर्फ दाम बढ़ गए दाम हर चीज के बढ़ गए तो बस ये है फर्क दीपक जी आपने बीच में जो बताया अखबार वाला कि ऐसे लेंस लेके जो भी देखते थे कि क्योंकि तब ऑनलाइन तो कुछ था नहीं सीन तो तब क्या सिनेरियो था मार्केट कैसी थी कैसे ट्रेड कैसे प्लेस करते थे जाके बोल मतलब तब इकनॉमिक टाइम्स पेपर आता था उसके फर्स्ट पेज पे थर्ड पेज पे जो जो कंपनियां आती थी मतलब वो अच्छी कंपनियां हैं ठीक है तो अब मान लो आपने देखा कि जिंदल स्टील का कोई शेयर का नाम आ रहा है कि भाई ग्रैब्ड ऑर्डर फॉर सो एंड सो तो आप उसमें फ़ोन करते थे हाँ भाई राजू राजू कहता था हाँ जी ये रेट चल रहा है हाँ। क्योंकि टर्मिनल हर किसी के पास नहीं होते ऑनलाइन नहीं था लोकल लोकल रखते थे दिल्ली में थे टर्मिनल्स हाँ हाँ दिल्ली गाजियाबाद में भी थे ऐसा अच्छा, नहीं था नहीं अच्छा, थे लेकिन इट वाज ऑन कॉल ठीक है तो आप उसे कहते थे अब वहां पे भी बड़ा खेल होता था कैसे उसमें बड़े लोगों के स्कैम निकल के आए कि उसने कहा कि भाई आप उसने आपसे आपने पूछा कि मेरे को ये शेयर लेना है कितने का है तो उसने कहा तीन सौ रुपये का वो चल दो सौ अस्सी रहा था अब आपके पास कोई तरीका नहीं है क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता था उसमें भी वो तीन सौ ही लिख के आता था लेकिन उसने दो सौ अस्सी का खरीदा होता था अच्छा, एक्सचेंज की कोई पर्ची नहीं आती थी तब आ, तो खुद अपने घर में बना रहे सारे हाँ, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट नोट भी हाथ से ही लिख के आते थे तो तब ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि ऑनलाइन आप चेक कर सको या ऑनलाइन कुछ होता था तभी तो गवर्नमेंट डीमेट लाई और ये लाई क्योंकि तब वो क्या होता था मान लो आपने रिलायंस के शेयर खरीदे अब आपने दो तीन महीने उसे कहीं बेचे बाचे नहीं तो आपका वो शेयर सर्टिफिकेट बन के आपके पास आ जाता था अब उसमें एक बहुत बड़ा कैच होता था क्या अब जो लोग बहुत पुराने करने वाले थे उन्हें पता होता था कि भाई जैसे मैंने ये ट्रांसफर मतलब मैंने शेयर आज लिया है और ये मेरे पास लिख के आ गया तो उसका सर्टिफिकेट तीन छ महीने में बन के आता था तो उससे पहले वो उसे बेच देते थे और सर्टिफिकेट उनके नाम का बन के आ जाता था अरे भाई तो ये ऐसे ऐसे भी बहुत काम हो जाते थे पहले क्योंकि ऑनलाइन नहीं था ना जैसे आपने देखा होगा पहले रेलवे में एक ही सीट पर चार चार टिकट इशू हो जाती थी क्योंकि हाँ हा। ऑनलाइन नहीं था अब वो प्रॉब्लम नहीं है तो समय के साथ चीजें बदल तो रही है लेकिन एक रही है। मार्केट वही है रुपए में लेना है सवा में बेचना है बस और कुछ नहीं है वो नहीं बदला पचास साठ साल से वो कभी बदलेगा भी नहीं बदल भी। वो सबसे सेफ है फिर आपने किया पंद्रह सत्रह में तब आपने तब मैं फुल टाइम ट्रेडर बन गया उससे पहले मैं एक इन्वेस्टर की तरह कि मेरे पास जैसे कहीं से बिजनेस से पैसा आया मैंने लगा दिया फ्यूचर खरीद लिया वो गिर गया तो और खरीद लिए फिर पैसे बन गए निकाल लिए ऐसे करते तब तब फैमिली फैमिली से भी हाँ, फैमिली से भी थे काफी फिर आपने खुद आज वापस वही पोजीशन में अच्छा दीपक जी इसी पॉइंट पे जब पंद्रह सत्रह में इंटरव्यू आपने कौन सी ऐप प्रेफर करी तब क्या सपोर्ट सिस्टम था आज आप कौन सी ऐप से ट्रेड ट्रेड करते हैं तब यार कई ब्रोकर थे मुझे शायद अब नाम भी ध्यान नहीं है कुछ पार्श्व करके था कुछ था वो सब कंपनियां ही बंद हो गई अच्छा वो सब फ्रॉड करती गईं और कंपनियां बंद होती गईं मुझे अब शायद ध्यान भी नहीं है फिर आपको बेस्ट कौन सा ब्रोकर मिला बेस्ट ब्रोकर तो मुझे इंडिया इंफोलाइन अच्छा इंडिया इंफोलाइन तब भी था इंडिया इंफोलाइन इंडिया इंफोलाइन जो ब्रोकर था वो तब भी मतलब आप समझो 1996 में तब भी था वो वो तब तो वो भी टर्मिनल से करवाता था ट्रेड फिर उसने भी डी वगैरह तब तो तब ना लोगों को क्योंकि घरों में कंप्यूटर ही नहीं होते थे तो हर आदमी फोन पे ही करता था लेकिन हाँ ओवर ए मतलब मैं समझता हूँ दो हजार चार तक ये सब सिस्टम बहुत अच्छा हो गया था कि डीमेट में अकाउंट में शेयर जाएंगे डीमेट से निकलेंगे और वो करना पड़ेगा अच्छा पहले दलाली भी बहुत थी पहले दलाली दो दो तीन तीन परसेंट ले लेता था ब्रोकर जिसे आप फोन करके कहते थे दलाल अच्छा यही बंदा

पूरा दिनचर्या कैसा होता है मतलब पूरा दिन कैसा दिखता है क्योंकि हस्बैंड ऑप्शन करते हैं आप फ्यूचर करती हैं तो आप कब उठते हैं कैसे बैठते हैं है है? दे, है। है, पहली चीज तो एक समझ लो कि हम आपस में कहीं ट्रेड की डिस्कशन करते ही नहीं है हम बिल्कुल नहीं करते आप दोनों ये नहीं करते नहीं। दे है खाना नहीं बनेगा घर में उस दिन ये हाल हो जाएगा

ठीक है ऑप्शंस का क्या मतलब है ऑप्शन सेलिंग का कि आप डायरेक्शन तो कर ही रहे हो हाँ। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है तो भी आप बेनिफिट ले रहे हो मेरे केस में क्या है मैं फ्यूचर करती हूँ तो मैं कम्प्लीटली डायरेक्शनल कर रही हूँ तो उस केस में अगर हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा तो ये डिसिप्लिन लिया कि हम बात नहीं करेंगे इस नहीं इस पर नहीं अब कहीं बहुत ज़्यादा अटक जाए तो ऐसा नहीं है मैं पूछ लेती हूँ वो तो इतना तो चलता है लेकिन फिर भी अपना हाँ। अपना ब्रेन लगाते हैं कि आपस में कोई टसल ना हो अच्छा। तो ये अपनी करते है मतलब हाँ। सब हो जाता है, है। फिर नाइन फिफ्टी सब उसके बाद मैं अपने ही, अपना हाँ, मैं। अपना फिर उसके बाद साढ़े तीन तक मैं ट्रेड करता हूँ फिर मैं अपना ये यूट्यूब इंस्टा ये वो इन धंधों में लग जाता है तब तक आप दोनों एक साथ भी नहीं होते तो भाई आज मैं ऑफिस नहीं गया तो हम यहाँ आए मेरे ट्रेड चल रहे हैं

जब तक मैं ये देख रहा था रोज हाँ। नुकसान आप ये देखो मैं अभी आपको पहले भी ये उदाहरण दिया एक न्यूज आती है कि देश दुनिया में करोना वायरस आ गया चाइना में लॉकडाउन लग गया वुहान शहर पूरा लॉक हो गया मार्केट हमारी ऊपर जाई जा रही है जाए जा रही है जाए जा रही है हाँ, हाँ, हाँ। वन फाइन डे मोदी जी आते हैं कहते हैं आज थाली बजा लो आज ये कर लो आज वो कर लो आज दिया जला लो तब तक भी बिल्कुल मार्केट ऊपर स्टेबल है फिर वो आते हैं और कहते हैं जी ये तो जो है लॉकडाउन की स्थिति बन गई है देश को बचाना जरूरी है तो हम लॉकडाउन लगा रहे हैं मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है अभी कोई कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा नहीं हुई है hmm. किसी बिल्डिंग में पता लग जाता था कि कोरोना हो गया तो पूरी बिल्डिंग सील हो जाती थी उस टाइम में ये बिल्कुल बिल्कुल भोकाल चल रहा था बिल्कुल ऐसा हाँ। सब दुनिया बच गई जी वेव वन खत्म हो गई वेव टू आने लग गई अब आ गया जी 400 लोग इटली में मर गए अब अगर मैंने ये न्यूज पढ़ ली तो मैं क्या सोचूंगा जब पिछली बार कोई मरा नहीं था तो बाजार इतना नीचे था तो अब तो नीचे जाएगा जाए जाए। बस मैं शॉर्ट बनाऊंगा बाजार वहीं से ऊपर ये बात मैंने टीवी पे सुन ली तो मेरे अंदर क्या आएगा तो इसलिए भाई साहब टीवी भी कुछ नहीं जो मेरा चार्ट बोल रहा है मैं उसको देखूंगा चार्ट बस चार देखते हो चार्ट कह रहा है ऊपर मतलब कि बाजार ऊपर है चाहे कोई मर रहा हो कोई जी रहा हो कोई वार हो रही हो कुछ हो रही हो अब आप एक चीज बताओ मुझे हाँ। शायद बाजार बीस हजार के अंदर था मुझे जहां तक ध्यान है ये यूक्रेन और रशिया वार हुई ठीक है अभी वार चली रही है ना वार तो बंद नहीं हुई हाँ, अभी हम चौबीस हजार पे आ गए हमने नया हाई कैसे बना दिए जब वार ऑन गई है तो लोग तो मर ही रहे हैं हाँ। कैसे लॉजिक पे और हाँ। वार की अगर स्थिति समझे तो इंडिया पाकिस्तान का भी कभी आप सुनते हो कि दो मर हमारे मर गए दो उनके मर गए ये तो चल ही रहा है ये तो रोज रोज चल रहा है कहीं ना कहीं मतलब अनरेस्ट है तो भी बाजार तो नया चल रहा है क्योंकि बाजार जो होता है ना वो फ्यूचर लुकिंग होता है वो कहता है अच्छा वार हो गई क्या है न्यूक्लियर व्यूक्लियर नहीं कुछ नहीं चल ठीक है चलते हैं आगे तो बाजार ऐसा होता है अब ये बाजार में क्यों आज ये डिप आया क्योंकि ईरान ने कह दिया हम पे तो भैया वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट हमारे पास है हथियार इतना न्यूज देखना जरूरी है ये अगर मैं नहीं भी देखूंगा तो भी मुझे पता है जब छह बाजार गिर गया तो कहीं ना कहीं चार्ट बता रहा है ना मुझे आ, आ, तो आप लोगों को एक चीज समझनी है कि आपको तब तक अपने अंदर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी जब तक कि बड़े लोग नहीं कर रहे और जब बड़े लोग करेंगे तो आपको चार्ट पे दिखेगा दिखेगा बस सिंपल ऐसे ऐसे थोड़ा हस्बैंड दोनों बताओ एक साथ कि अपने मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड क्या रहे हैं आपके नंबर ले सकते हैं हम अभी हाँ हाँ नंबर ले सकते हैं हम तो भाई साहब पचास साठ हजार रुपये हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं लाख रुपए दिखाई दिए हम तो घर आ जाते हैं उसी दिन आज मान लो मैंने सुबह सवा नौ बजे पोजिशन बनाई

थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकता है उस पॉइंट पे जो बंदा मतलब हफ्ते में पांच दिन ऑफिस जा रहा है सात छह दिन ऑफिस जा रहा है वो क्या कर सकता है उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है क्या वो दिमाग लगा सकता है कैपिटल उसपे ज्यादा नहीं है आज मैं ना एक तुम्हारे पॉडकास्ट पे एक स्ट्रेटेजी दे के जाता हूँ ये दे मैंने कहीं नहीं दी ये दे जाओ ताकि बंदों का अच्छा पैसा बन जाए पैसा सौ करोड़ की जर्नी शुरू कर देंगे आज से और कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए मैं उसी पे आ रहा हूँ ठीक है आजकल जितने भी यंग यंग लड़के हैं जो बीस बाईस साल पे कमाना शुरू कर देते हैं ये पचास हज़ार लाख रुपए कमा रहे हैं हम्म सारे सुन लो ठीक है इन्हें क्या करना है बीस हजार रुपये की एस आई पी करनी है फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी इयर्स अच्छा ठीक है या पच्चीस साल की एस आई पी कर दें ठीक है यानी कि जो आज पच्चीस साल का है हम मान लेते हैं बीस पे किसी ने शुरू करी किसी ने पच्चीस पे की पच्चीस वाले ने भी शुरू की तो अगले पच्चीस साल तक पचास साल उसने बीस हजार रुपये हर महीने डाले ठीक है ठीक है अगर मैं पिछले दस साल की सीएजीआर देखू तो अट्ठाइस परसेंट की रिटर्न है सी एजीआर सी ए जी आर का मतलब है एनुअल रिटर्न ठीक है कम्पाउंडेड एनअल एनुअल रिटर्न ठीक है तो अगर केवल बीस हजार पच्चीस उसके लिए डाले होते पच्चीस साल के लिए डालो और हम आज जो रिटर्न है ये मान के चलते हैं आने वाले टाइम में ये नहीं रहेगी वैसे तो रहनी चाहिए लेकिन मैं मान लेता हूँ पंद्रह रह जाएगी तो आपके पास भाई साहब छे करोड़ साढ़े छे छे करोड़ साठ लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा बीस साल में पच्चीस साल में ठीक है बीस पच्चीस साल में हम पे साढ़े छह करोड़ आ गए अब ये साढ़े छ करोड़ को आपको घर नहीं लाना इसको आप वहीं पड़ा रहने देंगे अच्छा और दो लाख रुपए हर महीने विद्रॉ करेंगे आने वाले जब तक आप जिंदा है अब हम एस डब्ल्यू पी कर रहे हैं एस डब्ल्यू पी सिस्टमेटिक विद्रॉल प्लान करेंगे साढ़े छह करोड़ से ठीक है और हम मान लेते हैं कि उस वक्त इस साढ़े छह करोड़ पे दस परसेंट रिटर्न भी नहीं मैं तो मानता हूँ कि छह परसेंट रिटर्न आएगी ये छह परसेंट मैंने कैसे मानी कि आज की तारीख में सिक्स पॉइंट फोर सेवन परसेंट की रिटर्न है लेबोर की लेबोर इज लंडन इंटर एक्सचेंज यानी कि आज एस अगर लंडन से पैसा उधार लेगा तो उसे साढ़े छह परसेंट सिक्स पॉइंट फोर सेवन परसेंट देना पड़ेगा ठीक है तो ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है लेबोर जिसे बोलते हैं एल आई बी ओ आर ठीक है हम मान लेते हैं कि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है वैसे तो हम बीस साल पहले भी कह रहे थे आने वाला टाइम अच्छा नहीं है मार्केट पता आ, नहीं आ जाएगा। आ, 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 आ. आज आएगा आज कोविड आ गया तब भी यही कह रहे थे दो में भी यही कह रहे थे लेकिन मार्केट जो होता है ना वो सारे दुखड़ों को छोड़ के आगे चलता रहता है वो कभी भी पीछे नहीं पकड़ता पहला बार कोविड आया जबकि कोई मरा नहीं था दी दी दी। तो बाजार गिरा दूसरी बार में लाखों लोग मर गए लेकिन बाजार नहीं गिरा डेट देख लेना मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कोविड की फर्स्ट वेव आई मार्केट क्रैश हो गया था उसके बाद बाजार बढ़ना शुरू हुआ फिर सेकंड वेव थर्ड वेव फोर्थ वेव उन्होंने कहा कुछ ना जब पहले महीना मरा कोई तो कुछ नहीं होगा मतलब इमोशन से चल रही है नहीं मार्केट तो? लॉजिक से चलती है पर यहाँ क्या लॉजिक ये लॉजिक ये है कि पहली वेव आई हाँ। अगर दुनिया ने खत्म होना होता तो वहीं हो लेती हाँ। अगर वो नहीं हुई तब तक न्यूज़ आने लग गई कि भाई कहीं टीका बन रहा है कहीं इंजेक्शन बन रहा है कहीं वैक्सीन बन रहा है कहीं ये हो रहा है कहीं वो हो रहा तो लोगों को लग गया भाई होप है होप है मतलब पॉजिटिविटी है उतना ही काफी भाग जाओ अच्छा जहां से बाजार गिरना शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया और वहां से जो चला है डबल हो गया ढाई साल में और एक रीजन और भी था जो मुझे बात समझ आती है जैसे कोविड में बहुत मैं बोलूं मेरी स्ट्रेटजी भी चल रही है हाँ चलो चलो बोलो हां बोलो बोलो सॉरी बोलो तुम्हारे को पूरा मौका दिया गया था अच्छा बोलो बोलो आप अच्छे से बोलो तो हमारे मार्केट डबल हो गई वहां से दी दी। तो इसलिए मार्केट तो हमेशा अच्छी चलेगी ऐसा मान के चलते हैं लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हमारी छह ही परसेंट की रिटर्न आएगी बस उस वक्त यानी कि यहाँ से बीस साल बाद तब तक थोड़ा स्टेबल हो जाए छ आ रही है छह आ रही है ठीक है जी तो आपने सारी जिंदगी दो लाख लिए उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सौ करोड़ से ऊपर पैसा दे जाओगे

दस बारह साल पहले पीएनबी जो बैंक था वो आठ सौ रुपए में ट्रेड होता था मैंने खुद कराया अच्छा और वो साठ रुपए तक आ गया ठीक है किसी टाइम में बारह सौ रूपए में लोन था वो पैतीस रूपए आ गया बिल्कुल कंपनी तो चली रही है ना उसकी। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया बुल्स मैंने खुद ट्रेड कराया हजार रुपए से ऊपर अब आप देख लो कहा है जेट एयरवेज चौबीस सौ रुपए का शेयर आज वो जेट कहाँ है बिल्कुल जेट हो गया सब <laughs> तो कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा डूब सकता है आप अपना पैसा जो है किसी को दे दीजिए मैनेज करने को उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर वो फंड मैनेजर जो है उसका जॉब ही यही है कि बेस्ट से बेस्ट कंपनी में पैसा लगाए अगर कोई कंपनी डूब रही है या उसकी कोई नेगेटिव न्यूज है वो वहां से पैसा निकाल कर इमीजिएटली स्विच करेगा और उस पैसे को जब स्विच करेगा तो वो उस कंपनी में लगाएगा जो एमरजिंग होगी या yes, कोई बड़ी कंपनी बन रही होगी बिल्कुल तो आपका जो स्विचिंग है वो हमेशा बेस्ट कंपनीज में होता रहेगा अगर आप म्यूचुअल फंड रूट से जाते हैं तो बिल्कुल जहाँ चालीस पैंतालीस स्टॉक का पोर्टफोलियो है वो आपको स्टेबिलिटी दे ठीक है तो आप अगर ऐसे जाते हैं तो आपको इसमें अगर आप एमरजिंग या स्मॉल कैप मिड कैप में जाते हैं पिछले बीसों साल की रिटर्न देख लीजिए बीस परसेंट से नीचे कभी नहीं आई मैं तो फिर छह परसेंट की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम मान लेते हैं कि छह तो मिलेगा हमने जो सौ करोड़ बोला है शायद वो करोड़ जाए अगली वो हो सकता है तीन सौ से भी ज्यादा चला जाए <laughs> तो ये है डिसिप्लिन ट्रेडिंग थी, थी। मतलब डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग नॉट ट्रेडिंग डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग अब मैं आज आपको बोल दूं कि रिलायंस का आप शेयर ले लीजिए या इन्फोसिस ले लीजिए या टीसीएस ले लीजिए या निफ्टी के टॉप टेन कंपनीज में बोल दूं हो सकता है इनमें से कोई कंपनी अच्छा ना परफॉर्म करे आने वाले टाइम में हो सकता है जो प्रोडक्ट आज मार्केट का लीडर है वो कल ना रहे आज दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो आज से थोड़े दिन पहले थी वो एप्पल थी जी। अब एप्पल को छोड़ के एलन एन ऊपर आ गए टेस्ला ऊपर आ गई ना बिल्कुल आज से दस पंद्रह साल पहले एक कंपनी थी जो सबसे ऊपर थी दुनिया में उसका नाम था कोटेक वो कैमरे बनाती थी, थी और रील बनाती थी उसकी रील के बगैर कैमरा नहीं चल सकता था आज उस बेचारे के कहीं नामो निशान नहीं है बस की स्टडी नोकिया एक फोन कंपनी थी जो सबसे ऊपर थी एक टाइम में जी जी। आज नोकिया का फोन आप 1600 और 2000 रुपए में ही ले रहे हैं एक लाख का नोकिया के पास फोन ही नहीं है करेक्ट तो ज़रूरी नहीं है कि जो आज टॉप लाइन है वो कल भी टॉप ही लाइन रहेगा तो बेटर है पैसे को चर्न करते रहिए और वो अपना म्यूचुअल फंड में दे दीजिए डिसिप्लिन वे से वो करिए और लोग जो है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब मार्केट नीचे जा रहा होता है वो अपनी सिप रोक देते हैं जबकि तब तो सिप को डबल कर देना चाहिए करेक्ट तब तो एवरेजिंग होगी हाँ। क्योंकि आपको क्या है कि यूनिट ज्यादा आएंगे जितने ज्यादा यूनिट आएंगे जब बढ़ेगा मार्केट तो उतना आपको एक्सपोनेंशियल बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल तो ये समझना चाहिए लोगों को बाकी तो बढ़िया है बल्कि मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ जब मार्केट नीचे होती है ना मैं अपना पैसा और इन्फ्यूज कर देता हूँ मतलब मैं वैसे लमसम वाला हुई नहीं इन्वेस्टर मेरा एस आई पी चलती है जैसे मेरी आठ एस आई पी अलग अलग जो मुझे लगता है कि अभी ठीक है एनी भी देख लिया मार्केट समझ ली अगर यू एस ऐसी फालतू में क्योंकि मेरी यू एस अपॉर्चुनिटी फंड है दो तो उसमें मैं ऐसा करता हूँ सीधे भी बीस हज़ार पच्चीस हजार तीस हज़ार अलग से डाल देता हूँ वही तो आपके अली बात है कि जब मार्केट नीचे तो, तो आप और मजे लो दीपक जी यहाँ से थोड़ा आपने मुझे इशारा जो दिया है डाउनफॉल या ऐसा आता ही है ट्रेडेड लाइफ में या होता ही है आपकी क्या जर्नी रही आपने क्या वर्स्ट वर्स्ट डाउनफॉल क्या लॉस है या इमोशनली आप हुआ आपको? यार भानु भाई ये बातें ना मैं कई जगह कर चुका हूं, तो मेरा लॉस जो था वो मैक्सिमम करीब ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन और उस वक्त ऐसा भी लगता था सुसाइड कर लें और मतलब बहुत टफ टाइम था तो मैं तो अब उसे याद भी नहीं करना चाहता बस लेकिन शुक्र है प्रभु का कि हाथ पकड़ लिया और बाहर आ गए लेकिन मैं जो भी इस टाइम में चल रहे हैं उनको सिर्फ यही एक चीज़ कहूँगा कि अपने आसपास ना पॉजिटिविटी ढूँढो कहाँ है आप ये मत सोचो कि मेरे को लॉस हो गया तो मुझे मरना है आप ये सोचो यार अभी हाथ पैर सलामत है कहीं ना कहीं कमा लेंगे ये स्टेप ऑफ पॉजिटिविटी है आप लोग ये सोचो कि हम सांस तो ले पा रहे हैं इसका भी प्रभु को शुक्र है क्योंकि मैंने अपने ही हाथों से एक एक लाख रुपए का सिलेंडर खरीदा है ऑक्सीजन का इन कोविड टाइम्स चौदह से अट्ठारह हजार का जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आता है ढाई hmm. ढाई लाख रुपए का खरीदा है तो अब हम इस हवा की कोई वैल्यू आज नहीं कर रहे हैं उस टाइम ऑक्सीजन क्या भाव थी वो मतलब लोग सोचते हैं तो आज कहाँ जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप ये देखो कि आप कितनों से कितने अच्छे हो और जब पहले पैसा खोया तो भी तो आपका ही कमाया हुआ पैसा था या आपके पास आया हुआ पैसा था दोबारा आ जाएगा दीपक जी जब आपने मुझे बोला दोढाई लाख का लॉस किया ये किया तो ये इसका मतलब कुछ ऐसा है कि आपके पास उतनी होल्डिंग्स थी और करोड़ बोला भाई मैंने दो करोड़ सॉरी मैं एक्चुअली 2015 से पहले बिजनेस करता था मैं अपना एक चीज याद दिला रहा हूँ हम बैंगलोर में मिले थे आपने मुझे बोला था कि भानु एक टाइम था मेरे पे पता नहीं कितने लाखों की वॉचेस थी हाँ और फिर वो क्या था मेरे को मैं भी उससे जुड़ना चाहता था देखिए मैं सिरेमिक का बिजनेस करता था पहले एंड दैट बिजनेस वॉज इनहेरिटेड टू मी बाई माई फादर बहुत अच्छा बिजनेस था अच्छी खासी टर्न थी पचासियों आदमी मेरी फैक्ट्री में सौ आदमी काम करते थे और एक बहुत बढ़िया धंधा मेरा चल रहा था ऑल ऑफ ए सडन प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया जो प्रोडक्ट मैं बनाता था वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया तो जब प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया तो फिर अब नए प्रोडक्ट के हिसाब से प्लांट लगाओ जी तो वो मेरे को नहीं समझ आया कि मैं इतना पैसा लगाऊं और मेरे को मैं बैंकों से लोन लूँ क्योंकि उसको प्लांट के एक्सपेंशन के लिए मेरे ख्याल बीस पच्चीस करोड़ रुपए कैश की जरूरत थी तो मेरे को फिर बैंक से लोन लेना पड़ता जो कि मैं रेडी नहीं था ठीक है तो वी तो वी डिसाइडेड टू क्लोज क्लोज दैट वेंचर तो वो करते करते में भी बहुत खर्चा हुआ हमारा फिर जहाँ से पैसे लेने थे वो पैसे मर गए लोगों ने पैसे नहीं दिए आज तक भी नहीं दिए अच्छा और बहुत सारा माल मेरे पास तब भी पड़ा था और आज भी पड़ा है तो ऐसे करके मतलब इट वॉज वेरी बैड स्टेट ऑफ टाइम तब आप मार्केट में आए फिर मैंने वो पैसा जो है दो चार जगह नए वेंचर्स में लगाना है जैसे प्रॉपर्टी लेके बिल्डर बन गया मैं है। वो पैसा मैंने किसी को दे दिया कि भाई तुमसे ब्याज ले लूंगा मैं वो पैसा मेरा आज तक वापस ही नहीं आया जो मैंने पैसा वहां दे दिया उसके बाद जो दो ढाई करोड़ रुपए मेरे पास बच रहा था उसका मैंने ऑप्शन बाय कर लिए मेरा लॉस हो गया और वो भी गए तो मतलब आप ये समझ लो कि एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरे पास एक प्लॉट था मुझे वो बेच के घर खर्च चलाना पड़ा तो आई अ वेरी बैड स्टेट ऑफ टाइम लेकिन बस इसमें एक अच्छा ही ये थी कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट नहीं छोड़ा कभी जी। तो ये लोग हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे कि आप कर सकते हो आप कर सकते हो आप कर सकते हो

इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी इनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर था कि मुझे घर चलाना है पेरेंट्स को देखना है बच्चों को देखना है तो डिसीजन मेकिंग ना कई बार बहुत इम्पल्सिव हो जाती है आप ये सोचते हो कि मैं आज लूँ आज ही इतनी इनकम हो जाए ताकि मेरा पूरे मंथ का काम हो जाए बट ऐसा नहीं होता ये और आपस में ना जब आप अगला डिप्रेशन में होता है तो आपको एक टॉपिक चाहिए होता है डिस्कस करने के लिए नहीं तो आप ग्रेजुअली रियलाइज़ करोगे कि आफ्टर फ्यू इयर्स हस्बैंड वाइफ के बीच में इंट्रैक्शन कम हो जाती है हम दोनों एक ही फील्ड में है तो हम इस पर बात करते हैं बात करते हैं इन्होंने कहा कि मेरे को आज ये लॉस हुआ तो फिर हम बैठ के डिस्कस करते थे देखिए ये क्यों हुआ इस, इसका रीज़न क्या है क्योंकि देखो जब लॉस होता है ना तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने गलती कहाँ करी है जब ट्रेड चल रहा है तब कोई नहीं ध्यान देगा वो तो चल ही रहा है लेकिन जब आपने गलती करी है तो आपने कहाँ गलत हुए हो देन हम लोग बैठे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं ऑप्शन बाइंग जो है ये बहुत रिस्की है इसमें आएगा मोटा तो जाएगा भी मोटा दैट इज़ ऑबियस तो फिर इन्होंने उसके लिए लर्निंग ली कोर्सेज करे ताकि मैं अब प्रॉपर इसमें अच्छे से नॉलेज लेके एंटर करूं उसके बाद इन्होंने ऑप्शन सेलिंग करी ऑप्शन सेलिंग करी तो ही मेड मनी ऐसा नहीं आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ही कैन मेक इट लेकिन ओनली प्रॉब्लम साइकोलॉजी के साथ थी क्योंकि आपने ट्रेड लिया आपने ट्रेड लिया ये दिख तो रहा है कि ये दस रुपये का ऑप्शन है ये सौ रुपये हो जाएगा लेकिन जब आप इतनी हैवी क्वान्टिटी ले रहे हो तो दस का ज़ीरो भी तो हो सकता है ये चीज़ में ना थोड़ा सा कोई एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है कहने के लिए कि नहीं रुको अभी आप पहले सीखो अच्छे से और फिर आप एग्जीक्यूट करो तो एट द स्टेज ऑफ डिप्रेशन जैसे कोविड में भी थोड़ी प्रॉब्लम रही उससे भी रही तो मुझे कमा लेता है ना वो उसको छोड़ नहीं सकता कितना ही लॉस हो जाए उसको दोबारा आना ही आना है वापस मतलब उसी को मार के आए जहाँ दिया है वहां से लेना है वहीं से लिया वही से लिया। भाई सब क्या है क्योंकि मैं बिजनेस कर चुका था और स्टॉक मार्केट में आने से पहले भी मैंने दो चार वेंचर ट्राई किए जैसे प्रॉपर्टी का होटल का रेस्टोरेंट का और भी मैं उठता बैठता था अपने बिजनेस मैन दोस्तों के बीच में तो कोई भी बिजनेस मैन ना खुश नहीं है हाँ पहले वो रॉ मटेरियल के लिए धक्के खा रहा है उसे अच्छा रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता मिलता है तो नगद उधार का पंगा है फिर वो अपना फैक्ट्री लगाता है आज फैक्ट्री लगाता है तो लेबर उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है उसको हैंडल करना या तो आपकी फैक्ट्री ऐसी हो कि भाई सब पाँच सौ हजार आदमी काम कर रहे हैं तो तो सारे एक साथ करते रहते हैं ठीक से काम लेकिन यहाँ दस पंद्रह बीस लोग हों पचास लोग हों वहाँ बहुत चैलेंजेस हैं क्योंकि छोटी फैक्ट्री है ना छोटा सेटअप है अब आप हर एक मैनेजर के ऊपर सुपरवाइजर सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर मैनेजर के ऊपर और रख के और इस तरह से पूरा सेटअप नहीं बना सकते आप तो आप छोटी फैक्ट्री या छोटे बिजनेस में आधा काम खुद ही कर रहे होते हैं तो जब आप खुद ही कर रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ही हैंडल कर रहे होते हैं तो आप हर वक्त उलझते ही रहते हैं फिर माल बन गया तो उसे बेचने की दिक्कत बिक जाए तो पैसे की उगराई की दिक्कत फिर क्वालिटी कंट्रोल की इश्यूज तो मतलब कुल मिला के बहुत सारी छोटे व्यापारी को प्रॉब्लम्स हैं जो कि आइडेंटिफाई कई लोग कर लेते हैं कई लोग नहीं कर पाते तो मुझे ये समझ आया कि भाई मुझे अब कोई एक बाहर में गड्ढे से निकला हूँ दोबारा तो उस गड्ढे में जाना नहीं है फैक्ट्री तो लगानी नहीं है तो जॉब और बिजनेस सब गड्ढा था आपके लिए तो जॉब तो मैंने शुरू में बस कभी कभी मतलब एक आध महीना मुश्किल से की होगी लेकिन बिजनेस मेरे लिए गड्ढा ही लग रहा था क्योंकि जब कमाई नहीं हो रही और रोज की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो गड्ढा ही है ठीक है अब आप नया पैसा लो फिर उधारी का पैसा भाई बैंक से आप लोन लोगे तब नई फैक्ट्री डालोगे या क्या करोगे तो बहुत एक प्रेशर सा फील कर रहा था तो स्टॉक मार्केट में क्या है चाहे आप सौ रुपये लेके बैठे हो पाँच सौ ले बैठे हो पाँच हज़ार ले बैठे हो पाँच सौ करोड़ लेके बैठे हो मैं एक दो करोड़ के नहीं बटन दबाया पैसा अंदर बटन दबाया पैसा बाहर करोड़ों में तो आपको किसी के आगे माल बेचने भी नहीं जाना माल खरीदने भी नहीं जाना किसी के आगे तरले नहीं करने पेमेंट के लिए भी वो नहीं है तो मुझे लगा कि ये सेटअप एक अच्छा बन सकता है डिजिटल चीज़ें भी जो आजकल डिजिटल डिजिटल है लोगों को ये नहीं पता कि सौ रुपये की चीज़ बिकती है एक सौ पाँच एक सौ दस में है और तीस रुपये तो उसमें से अमेजोन ले जाता है या छब्बीस रुपये तो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले जाता है तो चीज़ें इतनी आसान नहीं है जो दिखती हैं कि अरे यार, यार ये तो ऑनलाइन इतना बिक गया ये इतना बिक गया भाई जब करने बैठते हो तो पता लगता है कि क्या किया एक क्लाउड किचन आज को ना आजकल सबको लगता है कि यार यूट्यूब ऑनलाइन देखिए क्लाउड किचन कितना ईजी है

मान लो कहीं कॉकरोच था नज़र उसकी नहीं आई हाँ। खाने में आ गया हाँ। पकड़ा तो मालिक गया ना हाँ। अब आपने केस कर दिया तो वो बेचारा भुगत रहा है गलती किसकी लेबर की।, की मर कौन रहा है मालिक क्लेम कौन सेटल करेगा आपके मालिक, मालिक। गलती किसने करी आपने उसे ज़्यादा सुनाया वो तो नौकरी छोड़ के चल देगा क्योंकि उसकी तो कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं तो वापस बिजनेस में करना आपके लिए वो नहीं था। मैंने सोचा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं ट्रेडिंग में ही लगा रहा और बहुत इसके लिए मेहनत करी बहुत मैंने सीखा सीखने की इंतहा ये थी कि आज मैं बैठा हूँ मुझे किसी ने बताया भाई वो आगरा में एक फलाना आदमी है वो ट्रेड करता है मैं आगरा चला गया किसी ने कहा जयपुर है मैं जयपुर चला गया किसी ने कहा एटा है मैं एटा चला गया पर्सनली गए हो किसी ने कहा चेन्नई चले जाओ मैं चेन्नई चला गया किसी ने कहा गुजरात चले जाओ मैं गुजरात चला गया किसी ने कहा बॉम्बे चले जाओ मैं बॉम्बे चला गया किसी ने कहा कैलकटा चले जाओ मतलब आप ये समझ लो कि मैंने कम से कम बीस लाख तीस लाख रुपए अपनी एजुकेशन पे खर्च करे हैं स्टॉक मार्केट की जबकि नर्सरी से लेके एम तक मेरे पिताजी ने मुश्किल से मेरे पे खर्च खर्च करे होंगे छः लाख रुपये या आठ लाख रुपये बीस तीस लाख आपने ट्रेडिंग जी

आप देखो कौन सा आपके लिए 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 करता है 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 क्योंकि जैसे जो ट्रेडिंग दीपक के करेगी जरूरी नहीं है, मेरे करे तो तो अपना बनाना पड़ता है। उस को आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसली डेली करना पड़ेगा तो ही वो एक वैलिड रिजल्ट देगा।, देगा।, देगा नहीं तो नहीं देगा गलतियों आ में समझ गया जो हमारी स्टार्टिंग ग्रीड वाली या फिर जल्दी ईजी मनी क्विक मनी वाली इसके अलावा और क्या गलतियां देखते हो आप ये नॉर्मल ट्रेडर्स और नए नए न्यूबी होमस्टर्स में होप होप मेरा रेट आएगा हां मतलब मैंने कोई चीज 500 में ली 400 आ गई अभी मैं नहीं निकल रहा हाँ। 300 आ गई अभी भी मैं नहीं निकल रहा 200 आ गई मैं एवरेज कर रहा हूँ बेवकूफों की तरह के अरे भाई मेरा रेट आएगा

तुम क्या कर रहे हो तुम चलो दो मिनट हम इसको रिवर्स कर देते हैं तुम्हार, तुम, तुम्हारा क्या काम है सर मेरा ये इन्फ्लुएंसर यूट्यूब इंस्टाग्राम इससे क्या कमाते हो तुम अप्रोक्सीमेट मेरे को कोई फिगर नहीं चाहिए छः पाँच छः लाख रुपए महीने के ठीक है अब अगर तुम्हारे पास कैपिटल है मान लो एक करोड़ रुपए की ठीक है समझना बात को या बीस लाख की है ठीक है ठीक है तुम पांच छह कमाते हो हम एक उस आदमी की बात करते हैं जो एक दो लाख रुपए कमाता हाँ, इसकी है इसकी सैलरी और उसके पास पचास लाख रुपए ठीक है अब पचास लाख में से हम कितना कमा सकते हैं ट्रेडिंग कर करके कर करके -कर -कर -कर, एक से डेढ़ दो परसेंट यानी कि वो अगर सब कुछ बहुत अच्छा चला तो एक लाख कमा सकता है सेफ वाला सेफ वाला तो वो भी सब अच्छा चला जो चला। लेकिन लॉस भी हो सकता है हाँ। मतलब बेस्ट दे के भी वो एक लाख ही कमाएगा अपना दो परसेंट तो एक लाख ही है ना डेढ़ लाख कमा लिया बहुत अच्छा वो ट्रेडर बन गया ठीक है लेकिन दो लाख तो अभी भी कमा रहा है तो मेरा ऐसे लोगों के लिए कॉल ये है कि ये पचास लाख को कर दो म्यूचुअल फंड में जहां आपको अट्ठारह पंद्रह परसेंट एवरेज मिल जाएगा आप वो छोड़ दो कि तीस वाला म्यूचुअल फंड आप लेते हाँ हाँ। वो आप नहीं ले पाते लेकिन आप अगर मिड कैप मतलब ई ले लो निफ्टी में पैसा डाल दो तो निफ्टी पिछले कई सालों का सी ए जी आर सत्रह से चौदह से सत्रह परसेंट के बीच में है बिल्कुल तो इतना तो मिलेगा आपको इतना मिल गया आप अगर खुद ट्रेड करते हो और आपके सारे ट्रेड बेस्ट होते तो चौबीस परसेंट कमाते आप अब आप कितना कमा रहे हो सतराह अट्ठारह परसेंट छः परसेंट का टोटा है पचास लाख का कितना हुआ कुछ तीन तीन लाख रुपए जी यानी कि आपने तीन लाख रुपए कम कमाए पर वो आप जॉब में तो कम अब आप जॉब कब आ जाओ आप अपनी डेढ़ दो लाख की जॉब करते रहो वहां आपने केवल तीन लाख कम कमाए लेकिन यहाँ चौबीस लाख उसके सामने कमा ली सो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये रियलाइजेशन तो होती नहीं है किसी को फुल टाइम टाइम भी तो दोगे ना जब आ, अगर भाई आपके अपने टाइम की तो भी वैल्यू है, आ, जो, है जो, जो आदमी तो आज दस लाख रुपए लेके आया है तो बीस हजार मुश्किल से कमा पाएगा तो इसको बेटर है म्यूचुअल फंड को देते दे बीस की जगह वो पंद्रह कमा देगा तू पच्चीस पचास की कहीं नौकरी कर ले सो दिस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ यू ट्रीट योर मनी क्योंकि लोग अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कहीं गिन ही नहीं रहे ये हर स्टूडेंट और हर जॉब करने वाले के लिए कितना तो इम्पोर्टेंट है अब आज आप, सोचे, अब सोचे। आज आज आप आपने मान लो लाख रुपए हो तुम जी। तुमने दो साल में एक करोड़ रूपया इकट्ठा कर लिया अब तुम सोचोगे मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ मैं छोड़ देता हूँ ये सारा धंधा हाँ, एक करोड़ तो काफी है नहीं? ठीक है तो दो लाख रुपए तुम कमा पाओगे तीन कमा लोगे तीन परसेंट अगर कमाया तीन परसेंट कमाया तो तीन ही कमाओगे और ऐसे तुम कमा रहे हो कितने तीन इंटू बारह करो छत्तीस लाख वैसे तुम कमा रहे हो लाख तो तुम भाई क्यों आओगे इस धंधे में इससे बेटर इस पैसे को वाइजली इन्वेस्ट कर दो ना वाई यू वॉन्ट टू बिकम ए ट्रेडर फिर तो एक करोड़ भी कम है कैपिटल सवाल एक करोड़ कम का नहीं है सवाल ये है अगर आपके पास कोई और पैरल जॉब है तो बेटर स्टिक टू दैट डोंट ट्राई टू बी अ ट्रेडर अगर कुछ नहीं है तो अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाओ कि हाँ जी मैं अगर आज नौकरी करूंगा तो दो लाख रुपए मिलेंगे तो मैं इतना तो निकाल तो इतना तो निकालना ही पड़ेगा नहीं तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल तो ये कैलकुलेशन जिस दिन लोग समझ जाएंगे उस दिन मार्केट यहां से और पचास भाग जाएगा इससे मार्केट क्यों भागेगा क्योंकि हर आदमी फिर इन्वेस्ट करेगा वाइजली म्यूचुअल फंडो के पास पैसा आएगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा और स्टॉक्स मार्केट के साथ जाएगा और लोगों को क्या चाहिए हम दस लाख डालें और हाँ। हर महीने हम उसमें से लाख दो लाख रुपए निकाल लें प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है अब बीस परसेंट की या दस परसेंट की रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो किसी भी बिजनेस में नहीं।, नहीं है तो शेयर मार्केट को ही बेचारी को क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि हमें इसी से निकालना है सबको सबको यहीं से निकालना है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं यार एक बात बताओ ना आदमी को ये सोचना चाहिए कि क्या मैं दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल और वो हूँ समझदार यही कॉन्फिडेंस नहीं इसके लिए आदमी को ये सोचना चाहिए कि बैंक एक बैंक होता है बैंक एक इंस्टीट्यूशन है मान लो हम आईसीआईसीआई आई बैंक का बोलू उदाहरण लें जी। उसमें जो सबसे ऊपर सैलरी होगी वो किसी आदमी की एक करोड़ से भी ज्यादा होगी बिल्कुल होगी जो पढ़ा लिखा एम बी ए फाइनेंस और उससे भी टॉप में होगा जो टॉपर होगा अपने कॉलेज का उसे इन्होंने एक दो करोड़ के पैकेज में उठाया होगा दो करोड़ वाले ऐसे कम से कम पचास आदमी होंगे बैंक के पास फिर भी साला होम लोन वो सात परसेंट पर ही दे रहे हैं वो क्यों ना बीस परसेंट पे उस पैसे को मार्केट में लगा रहे हाँ वो क्यों मार्केट मतलब भाई वाई बैंक इज़ गिविंग यू लोन ऐट टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट फोर्टीन परसेंट

वो नहीं ट्रेडिंग कर लेगा बैठ के बिल्कुल <laughs> भाई आठ लाख करोड़ का मालिक है वो <laughs> वो तो जिस शेयर पे हाथ रख देगा वो कंपनी यूं जली जाएगी क्योंकि वो तो खरीदता ही चला जाएगा किसी भी चीज को क्योंकि ही हैज द पावर ऑफ मनी बट वो भी भाई साहब धंधा कर रहा है फैक्ट्री चला रहा है क्यों चला रहा है क्योंकि भाई साहब बीस बाईस परसेंट चौबीस परसेंट जो मुनाफा है ना वो दुनिया में सबसे अच्छा है <laughs> वैसे ही कमाओ सोच रहे के रहे देखो बिल्कुल, ना बिल्कुल, बिल्कुल। ये इतने बड़े बड़े लोग हैं टाटा बिरला अंबानी अडानी ये क्यों कंपनियां लगा रहे हैं ये इन्हें नहीं दिख रही क्या मार्केट है। ये क्यों नहीं कर या मैं ही एक सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है वो ही सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं ये, ये, समझ ये क्यों नहीं कर लेते बैठ के इनके पास क्या बैठरी की या इनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है ये नया है समझ गए तो सोच का फर्क है भाई ये सोच को समझना पड़ेगा अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचे लाना पड़ेगा होप और ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा और एक कम एक्सपेक्टेशन uh, से मार्केट में आएंगे पैसा बनेगा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि साल में दो साल में तीन साल में पैसा डबल होएगा गारंटी से लिख के दे सकता हूँ जो ग्रीड के साथ काम करेगा वो पैसा दे के जाएगा मार्केट को किसी और का फायदा हो जाएगा बस अब दीपक जी क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में काफ़ी बात करी आप हमें कुछ अंदाजा दे सकते हैं क्या

अब आपकी क्या वो सपने मतलब कुछ रह रहे अभी लाइफ में अचीव करना कुछ, हाँ, है अभी क्या, तो क्या, कुछ क्या कहा है। क्यों, है कि इतना कैपिटल बनाना है या हाँ, बच्चों को कुछ तो ऐसा देके जाए ना कुछ तो यहाँ बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा सौ करोड़ का कैपिटल लेट है लेकिन कोशिश करेंगे तो बन जाएगा मेहनत एंट्री कब करी थी मार्केट में 2015 में अब आपको ये दुख दुख थोड़ा रिलाइज होता होता है है कि यार लेट हो गया था जो मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट है अपनी लाइफ का वो ये है कि बीस साल पहले मुझे सिप शुरू करनी चाहिए थी तो आज मेरे को सारी जिंदगी कुछ नहीं करना पड़ता अगर हाँ, तो स्टॉक मार्केट भी छोड़ो सिप ही कर लेता अगर है। और उस वक्त मेरी सिचुएशन थी मैं एक लाख रुपए महीने की भी सिप कर सकता था कर सकते थे। लेकिन मैंने इधर उधर उल्टे सीधी जगह पैसे लगाए स्पेकुलेटिव पैसा लगाया जुए में पैसा लगाया लेकिन अगर मैंने वो सिप की होती

Oh. सर वो हमारे से ज्यादा समझदार थी <laughs> वैसे एक हमारे इनके दोस्त भी हैं विशाल आ, जी अच्छा वो हमें शादी के बाद एक दो बार मिले पच्चीस साल बीस साल हो गए हमें शादी को वो हमसे तब से कहते थे अरे दीपक जी चाहे पाँच सौ की सिर्फ शुरू करो हजार की करो, करो पाँच हजार की करो वो उस टाइम से कर रहा है भाई ये विशाल हर किसी लाइफ में होना चाहिए और वो सुने का तो उसको बहुत अच्छा लगे विशाल, विशाल तो हाँ, लाइफ में भी था अरे, लेकिन विशाल की बात मानो <laughs> बिल्कुल विशाल की बात माननी जरूरी है सो पर्टिकुलर सिप करो सिप करो कुछ भी करो सिप करो मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा डालो हम कहते थे हम आरडी कर रहे हैं तो आरडी नहीं करनी है सिप करनी है क्योंकि अभी एज ऐसी है कि आपको सिप एक अच्छी रिटर्न दे सकती है में मैं हुई थी 2017। 17 17 15 में में हुए। दीपक जी, मुझे सिर्फ जिंदगी का रिग्रेट जो रहा वो यही है कि मैं अगर उस वक्त सिप की होती लाख लाख रुपए की तो आज मेरे पास ऐसी वेल्थ होती कि मेरी जनरेशन को भी कुछ करना नहीं पड़ता आप फिर भी नहीं करते? शायद पैसा आ रहा हो तो, तो मैं तो बस मजे ही लेता फिर मैं पैसा क्यों, पीछे हो सकता है ये बात तो है ये सब सही बैठा हुआ तो हाँ। आपसे आप कुछ दिखाना चाहेंगे कुछ पोर्टफोलियो में कोई भी अपना एक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड एक क्या, भी रही है, पर वो क्योंकि आप ही वो होगा क्या ठीक है अपस एंड डाउन भी होते हैं वो लॉस ही होगा हो देखिए मैं ना भानु भाई क्या हाँ। है क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसिंग में काफी इन्वॉल्व हूँ तो मैं कभी भी अपना पोर्टफोलियो मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया कोई अगर आके चेक करता है मेरे ऑफिस में कर लो अच्छा लेकिन मैं पब्लिकली कभी नहीं दिखाता ठीक है क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं आपने दिखाया किसी ने काट के स्क्रीनशॉट कर लिया वो कहीं कुछ और और इंटरप्रेट कर लिया तो वो सब मैं उसमें नहीं हूँ किसी को मेरे पे डाउट है भाई मेरे ऑफिस आओ बैठो देखो कर लो आज म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपके ये जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसके बराबर होगा ना 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 बिल्कुल म्यूचुअल फंड काफी कम कम में क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड मैं तो खुद कह रहा हूँ मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने टाइमली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं करी

क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा तो नहीं है कि यार मैं बैकग्राउंड बता बता कुछ और बता उनके बताती हो रहे हैं लॉस लेते हुए प्रॉफिट होते हुए भी देखा है लेकिन हम लोगों के पास एक बैकग्राउंड था कि हम पैसा लगा सके और फिर हम उभर गए क्योंकि दीपक के पास एक क्वालिफिकेशन थी या ये कह लो कि ही इज़ अ ही इज़ मास्टर इन फाइनेंस तो इन्हें आइडिया था लेकिन अगर आज मुझे से फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों की मैरिज करनी होगी ट्रेडर से हाँ. तो मैं बिल्कुल ये देखूंगी कि उसके पास और कोई स्किल सेट है या नहीं है मान लीजिए एक सी ए है वो ट्रेडिंग कर रहा है एल गो अहेड विद इट कि चलो उसके पास एक स्किल सेट तो है ना कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो एम है या नहीं है ट्रेडिंग गलत नहीं है ट्रेडिंग में लोग कमा लेते हैं लेकिन एक बैकअप होना चाहिए पैसे का और भानु आजकल की जो जनरेशन है ना उनके पास एक बैकअप है भाई उनके पेरेंट्स वेल सेटल्ड हैं तो वो एक बैकअप के साथ ही एंटर करते हैं तो खुश है पूजा जी हम <laughs> पच्चीस साल होने वाले हैं शादी को अभी अब ऑप्शन नहीं है बिल्कुल ये देखूंगी हाँ ट्रेडर है मुझे ट्रेडर से प्रॉब्लम नहीं, नहीं, नहीं क्योंकि है क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग करती हूँ मेरे हस्बैंड भी करते हैं लेकिन हाँ एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है एजुकेशन को कोई बीट नहीं कर सकता आप ट्रेडिंग करो लेकिन आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो जरूर कम्प्लीट करो

अगर वो ट्रेडिंग से कमा रहा है तो लेजिटिमेट ट्रेडिंग से कमा रहा हो अगर वो ये है और उसको थोड़ा सा अपने पैसे को संभालना आता है तो मैं कहूँगा इट कोई मेरी तरफ से मना नहीं होगी क्योंकि अगर कोई बच्चा ट्रेड करके यहाँ तक पहुँचा है कि वो गाड़ी घोड़ा सब मेंटेन कर रहा है हुँ. तो उसके अंदर मतलब बचत की भी प्रवृत्ति है और ट्रेडिंग में भी वो अच्छा है तभी तक तो कर पाया है अगर इतना बैलेंस बना चुका है तो, तो फिर मतलब आई विल गिव इट ए गो ओके आ, इसके साथ मुझे ये भी बताइए अब जैसे ना बहुत लोग रिलाई करते हैं जैसे भाई हम फॉर मार्केट की बात कर रहे हैं तो बहुत लोगों की रिलायबिलिटी ऐसी हो जाती है कि यार एफ एंटर कर रहा है स्टॉक में तो आ जाओ एफ आई आई जा रहे है तो बेच दो एफ आई आई की एंट्री बहुत ट्रैक करते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर देखते हैं कि हमारी मार्केट शायद नौ पंद्रह नौ जब भी शुरू होती है उससे पहले कहीं और की मार्केट शुरू होती है वहाँ के इंडिकेटर देख लेते हैं कि वहाँ का क्या इमोशन है ये फॉलो करना कितना जरूरी है मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ओके okay. देखिए भानु जी क्या है कि एक आप ऐसे चल रहे हो कि आपने ना अभी नई नई गाड़ी ली है अब उसने आपसे कहा कि भैया इंश्योरेंस करा लो आपने कहा नहीं जी मैं तो दस लाख की गाड़ी लूंगा लेकिन मैं पचास सत्तर हजार की इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा अब जैसे ही आप शोरूम से गाड़ी बाहर लेके निकलोगे अब आप सब यू आर द ओनली पर्सेंट ऑन पर्सन ऑन द रोड जो भाई साहब इधर भी देख रहा है इधर भी देख रहा है ऊपर भी देख रहा है नीचे भी क्योंकि आपकी गाड़ी इंश्योर नहीं है और बिल्कुल नई गाड़ी है हाँ। लेकिन यदि यही गाड़ी आपकी इंश्योर हो तो आप शायद चार दिन बाद देखोगे भी नहीं कहाँ स्क्रैच लग गया है कहाँ कुछ है कहाँ क्योंकि आपको पता है कोई मेजर डेंट आएगा तो वो मेरा कवर्ड है जी तो मैं क्योंकि इंश्योरेंस साथ लेके चलता हूँ तो मुझे पता है कोई मेजर डेंट आएगा तो मैं कवर्ड हूँ छोटी मोटी लकीरों से मुझे फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे ही मेरे लिए मेरी पोजीशन है बिकॉज आई एम नाइन्टी फाइव परसेंट हैज तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती और मेरा जो हैज के बाद नुकसान हो सकता है वो मैक्सिमम दो से ढाई तीन परसेंट बहुत ज़्यादा अगर मैं कभी स्ट्रिंग्स को लूज छोड़ दूँ तो बात अलग है अदरवाइज़ दो परसेंट के अंदर अंदर ही मेरा नुकसान है तो अगर मुझे ये पता है कि मेरा मैक्सिमम नुकसान क्या है तो मैं सबसे ज़्यादा निश्चित हूँ और वो दो परसेंट आपके लिए मेरे ख्याल से वही पाँच छः लाख ऐसा छः सात लाख होगा ओके okay. वो एक ऐसा नुकसान है जो हम रिकवर कर सकते हैं हाँ। भाई दो परसेंट ऐसा है ना मैं अट्ठारह से बीस परसेंट कमाता हूँ चौबीस भी हो सकता है कमा लूँ तो मैं कवर कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं बीस परसेंट का डेंट ले लूँ तो मैं पूरे साल लग के भी कवर नहीं कर सकता दस का नुकसान मैं कवर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसमें आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो जाती है जब आप देखते हो आपके कैपिटल का टेन वाइप ऑफ हो गया है तो आप ट्रेड गलत लोगे ही लोग अगला ट्रेड भी गलत हाँ, अब आप ये देखो भाई एक मोटी सी बात करोड़ रुपए का बीस परसेंट आपने खो दिया अस्सी लाख रह गए। अब अस्सी लाख का पच्चीस तो एक करोड़ बनेगा हाँ, वापस बीस नहीं कमाना मेहनत बढ़ गई ना आपकी हाँ तो फिर यू बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली क्यों मतलब आपको लेजिटिमेट नहीं है जी मैं कोई वो काम नहीं करता जो लेजिटिमेट ना लेजिटिमेट क्यों नहीं है यू कैन नॉट डू इट लीगली बट अब तो मतलब काफी ब्रोकर हाउस खुद ही आपको है फिर उसमें चार्जेस फिर पैसा लाना करना ये वो अच्छा देखो सीधी सी बात है भानु अपने पैसे पे कमाना कितना है पहले तो ये आदमी को डिसाइड करना चाहिए मान लो मुझे डेढ़ दो परसेंट कमाना है तो मेरे पास इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस है पहले ये समझ लेते हैं हाँ एक है। तो स्टॉक मार्केट हो गया ठीक है सुबह नौ बजे से लेके तीन बजे तक साढ़े तीन बजे तक मैक्सिमम चार बजे तक सात घंटे मेहनत करके मैं छूट गया अगर मुझे इसी से ही ज़्यादा और दिमाग लगाना है तो सुबह नौ बजे से रात के बारह बजे तक चल रही है एम मार्केट ठीक है तो मैं वहाँ क्रूड कॉपर ये वो इसमें दिमाग लगा लूँ ठीक है तो मेरे बारह घंटे दिन के जो है बारह भी नहीं चौदह पंद्रह घंटे जो है वो इसमें लग गए अब इसके बाद मैं और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ तो अगर मैं बिटकॉइन ट्रेड करता होता तो मेरे 24 घंटे ट्रेड चल रहे हैं तो फिर आपके पास अपना टाइम कहाँ है क्योंकि आप तो हर वक्त जुआ ही खेल रहे हो ना आप तो यही लगे पड़े हो कि अच्छा अब इंडिया मार्केट ख़त्म हो गई अब आ गई अब प्रूड खत्म हो गई चल बिटकॉइन बता बिटकॉइन तो फिर तो आप मशीन हो गए तो अगर आपने डेढ़ दो परसेंट कमाना है तीन भी कमाना है तो भैया सुबह नौ बजे से लेके कर तीन बजे तक की मार्केट में आपको इतना मिल सकता है और सबसे बड़ी बात कि इंडिया की जो मार्केट है हाईली रेगुलेटेड वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड है अच्छा ये आप कह ये नहीं? मैं कह नहीं सकता हूँ ये मैं कह रहा हूँ <laughs> मतलब वी आर वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटेड मार्केट इन द वर्ल्ड अब पूजा जी जैसे मुझे एक चीज़ बताओ ये आंसर अगेन आप दोनों का है

परसेंट के स्लैब में आ गया जी बयालीस परसेंट सब मिला मिलू के बिल्कुल अब मान लो मैंने वो एक करोड़ रुपए रेवेन्यू लिया तो अट्ठारह परसेंट तो मैंने उस पे पहले जीएसटी दिया 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 वो तो ठीक है बयासी रुपये तो मेरे पास वैसे ही रह गए सौ में से उस बयासी पे मैं सैतीस इनकम टैक्स भी दे दू अब बताओ कितने बच गए <laughs> सारे लाइवल रहे हैं ठीक है उसके बाद साबुन तेल पानी गाड़ी कुछ खरीदना है तीस परसेंट फिर टैक्स दे दूं गाड़ी खरीदूं तो तीस पचास सौ परसेंट तक टैक्स है टेक्स। तो वो दे दूं घर खरीदूं तो दस परसेंट स्टैम्प ड्यूटी दे दूं मतलब आप ये देखो कि आपके लिए इफेक्टिवली आप कितना मुश्किल से बीस से पच्चीस तीस परसेंट कमा पा रहे हैं इफेक्टिवली यही निकलेगा सही है सत्तर परसेंट हम लोग टैक्स दे रहे हैं अपनी कमाई पे उस गाड़ी आप, को चला के आयो खाना खा रहे हो कुछ हाँ। भी ले रहे हो कुछ भी Even आप एक डब्बे का दूध भी लेते हो दही लेते हो, मिल्क लेते हो अमूल का दूध लेते हो उसपे भी ओके okay. हर जगह हम लोग टैक्स दे रहे हैं। तो सत्तर मनी इज गोइंग सवाल आ रहा है कि stopping you to shift to Dubai या किसी और कंट्री सिंगापुर जहां मेरे को बहुत प्यार है यही तो इंडियंस है यही तो इंडियंस है। मैं घूमने तो जा सकता हूँ <laughs> मैं यहाँ कमा के ये कर सकता हूँ खर्च करा हूं और अपना दस बीस पचास दिन लेकिन जो भी इंडियन यहां से जाता है बारहवें दिनों से राजमा चावल और कड़ी चावल और खाना और इंडियन कल्चर ये वो सब याद आने लगता है एंड लोनलीनेस मेनली जी क्योंकि यहाँ पे आप उतरे नीचे आप चार लोगों से मिलते हो मैं आपसे मिलने आ गई तो वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है वहाँ पे आप अकेले हो तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया छोड़ा नहीं जाता तो इंडिया छोड़ना मुश्किल है इंडिया छोड़ना मुश्किल है पूजा जी आ, वैसे आपके हस्बैंड जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी सेफ इन्वेस्टर है मुझे साउंड हो रहे हैं अग्रेसिव नहीं लग रहे बट अगर ये अग्रेसिव होते तो फिर भी मैं ऐसा क्वेश्चन था ही मेरा कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है जहाँ पर आप स्टेबिलिटी ढूंढते हैं जहाँ पर आप जैसे टर्म इंश्योरेंस जाता हो जैसे एस जाती हो जैसे म्यूचुअल फंड जाता हो या सारा ऐसा होता है कि आज हम जितना कमाया तो डाल देते हैं फेंडों में आप ऑप्शन डालो मैं फ्यूचर में डालती हूँ ऐसा होता है या क्या होता है आपका एलोकेशन कैसा होता है पैसों का मानो हम लोग कोई भी मतलब एब्रप्ट ट्रेडिंग नहीं करते हैं वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने थोड़े बहुत लॉसेस से कि ये काम नहीं करना है क्योंकि आप ये देखो अगर क्विक मनी आती है तो क्विक मनी जाएगी भी सही ये एक बेसिक क्राइटेरिया गी, है।, गी। है तो जैसे दीपक ने बताया कि एक एस जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम चलते रहते हैं और थोड़ा बहुत जैसे हम लोग फंडामेंटल्स देख लेते हैं टेक्निकल्स देख लेते हैं तो हम जनरली ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जो थोड़ा अपने लो पर हैं और उनमें पोटेंशियल है बढ़ने की तो उससे हम पाँच छः महीने के सिनेरियो के हिसाब से होल्ड करते हैं तो आप मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर देती हूँ कि अगर वन सी मैंने इन्वेस्ट करना है वन सी इन्वेस्ट करने में कुछ शेयर्स ऐसे रहेंगे जो हम लेंगे और उसे हम होल्ड करके रखेंगे कुछ ऐसे भी रहेंगे जो हमारा कभी भी बेचने का कोई प्लान नहीं होगा जैसे मैं आपको बताती हूँ शेयर नहीं ETFs हैं जैसे okay. बैंक बीज हो गए या गोल्ड ईटीएफ हो गए वो जनरली वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हैं या हमारी जो आप आप कह लो उसके लिए आप ETF भी करते ETF भी होल्ड okay. होल्ड okay. करते करते हो हैं okay. उसकी वजह ये आज गोल्ड है आज हम घरों में जो भी गोल्ड बाय करते हैं हम इस इंटेंशन से कभी भी बाय नहीं करते कि ये हम इसे बेचेंगे वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना बहुत क्रिटिकल कोई सिचुएशन आ गई तो ही हम उसे निकालते हैं नहीं तो हम आगे अपनी जनरेशंस को पास ऑन करते जाते ये लोकेशन हैं। आप मिलके बताओ ना कि आप कितना मतलब बता सकते हो मुझे कि कितना आपका कैसा ज्यादा पैसा लेट से कितना परसेंट ऑफ इनकम नहीं परसेंटेज हमारा कोई देखो बिल्कुल हम लोग देहाती फैमिली हैं उस हिसाब से अच्छा <laughs> अच्छा आज मान लो दो लाख की कमाई हुई हाँ, और यही इन्होंने कह दिया जी चलो आज कुछ गोल्ड खरीद लाते हैं तो उसमें गोल्ड खरीद लिया इन्होंने कहा जी के चलो अब हमें कुछ सामान खरीदना है मान लो घर का ही रेनोवेशन कराना है पैसे आए चल भाई अब रेनोवेशन करा लेते हैं ओके। टर्म इंश्योरेंस हम सबका जाता है मेडिक्लेम मस्ट है हम लोगों को जाता ही जाता है सबका प्लीज भाई और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी हैं एफडी भी हैं एफडी भी करते हैं आप लोग जी मैं ये हैं एफडी इसलिए करते हैं कि मान लो आज मेरे पास पैसा है हाँ। और बिल्कुल मार्केट टॉप पे खड़ी है तो मैं तो नहीं डालूंगा म्यूचुअल फंड में जो सिप चल रही है वो डाल सकता हूँ लेकिन अगर मान लो लमसम दो तीन पाँच लाख रुपए है तो मैं वेट करूंगा करेक्शन की तो जब तक मैं वेट कर रहा हूँ उस पैसे को कहीं तो काम पे लगाऊँ तो वो छः परसेंट पर लग गया और मैंने मार्केट में ट्रेडर्स को इतना ओवर कॉन्फिडेंट देखा है कि भाई जब मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि म्यूचुअल फंड कर लो टर्म इंश्योरेंस कर लो उनका कहना होता है कि यार इतना पैसा तो हम खुद ही बना लेंगे फंड क्या रिटर्न दे देगा सात परसेंट जो प्रॉफिट में है ना <laughs> हाँ, वो एफडी की रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहे अच्छा, वो भी नहीं कर पा रहे हाँ जी कुल दो से तीन परसेंट लोग हैं जो अच्छा पैसा बना पा रहे हैं बाकी जो चार परसेंट है वो एफडी रिटर्न को नहीं बीट कर पा रहे और ये मैं नहीं कह रहा ये सेबी कह रहा है ये एन एस सी कह रहा है जो दिखता लेकिन है, ट्विटर है। पे, इंस्टा पे सारे करोड़पति, यूट्यूब पे भाई इतना पैसा है इतना पैसा है <laughs> कि वो लोग पता नहीं ऐसा कौन सा मंत्र जपते हैं। <laughs> तो अभी लेट्स मेक इट थोड़ा इजी इजी मनी पे आ जाते हैं। आप मतलब आप 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 भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर सकते थे, तो सकते थे थे टू बैठ हो गए मतलब ट्रेडिंग, और कह रहे कि काफी है है दिन 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 का 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 नहीं भाई महीने का. ओके ओके अच्छा ठीक तभी हमारा है, का अगर मैं तो मैं कमाऊंगा तो आज हेलीकॉप्टर से आता जब हम <laughs> <a chopper> <laughs> ऑप्शन वगैरह करते हैं तो हमारी ग्रीड ज़्यादा होती है और ग्रीड में क्या है एक ये होता है कि भाई महीने के लास्ट में मुझे कुछ कमाना है अब मान लो मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है रिलायंस मुझे एक साल में छत्तीस परसेंट भी रिटर्न दे दे लेकिन मैंने आज रिलायंस पकड़ा और मैं पकड़ के बैठा हूँ अब मैं पूरा दिन क्या करूँ मेरे पास तो कुछ करने को ही नहीं है मैंने मान लो Uh, तीन हजार पे रिलायंस ले लिया मेरे को तैतीस सौ जब तक नहीं आया काटना ही नहीं है और उसने छह महीने लगा दिया आने में तो मैं क्या करूंगा वॉट आई एम डूइंग आई एम डूइंग नथिंग आई एम वेस्टिंग माई टाइम आई एम वेस्टिंग माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है रिलायंस पूरे साल में चार हजार तक चला जाए मुझे नहीं पता तैंतीस परसेंट बढ़ गया लेकिन अगर मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूं तो मेरे को ये पता है कि मैंने पहली तारीख से तीस तारीख तक ये काम किया और मेरे को तीस तारीख के बाद मेरा ये मेहनताना मिल गया सो वन इज इन्वेस्टिंग वन इज़ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग यू डू बिकॉज यू वांट टू जनरेट वेल्थ जी 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 ठीक है ना अब तुमने ये मकान खरीद लिया अब यह तुम्हारी तुम बेचो तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन बेचे हो सकता है उससे भी आगे की जनरेशन बेचे यू डोंट नो ठीक है लॉन्ग टर्म वेल्थ लोग यही कहेंगे भाई हमारे तो बाबा भानु ने खरीदा था <laughs> हाँ. तो तब क्या है टाइम दिया आपने पैसा तुमने लगाया टाइम सबने दिया हुँ. तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट है व्हेन यू गिव टाइम यू गेट वेल्थ जनरेशन ओके एंड व्हेन यू जस्ट डू इट इन ट्रेड तो वो ट्रेडिंग कहलाती है आप फ्यूचर में कैसे आई आपको क्या लगा इस मार्केट में क्या होगा क्रीड क्योंकि अगर हम ये, हाँ, ये कितना अच्छा आंसर क्या दोनों तो ग्रीड से शुरू किया से शुरू किया एक्चुअली बात बिल्कुल ठीक है जैसे मैं जनरली इन्वेस्ट करती हूँ निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स ठीक है उसमें इन्वेस्ट किया मैं ये देखती हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है okay. मैं वो ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो अल्टीमेटली बढ़ेगा अच्छी कंपनी है फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन वो बढ़ने में हो सकता है दो तीन महीने भी लगा दे छः महीने भी लगा हुँ, दे हुँ. अब डेली कुछ ना कुछ तो करना है वेला नहीं बैठना है तो उसमें आई स्विचड ओवर टू फ्यूचर्स फ्यूचर्स का बेनिफिट ये है कि अगर उसमें थोड़ी भी मूवमेंट आती है तो आपको पैसा आता हुआ दिखता है लेकिन कॉन्ट्रेरी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो पैसा जा भी सकता है जिस स्पेस से आएगा उस पेस से जाएगा भी सही जेब खाली भी कर देगा जेब खाली भी कर देगा तो उसमें मैं क्या करती हूँ फ्यूचर लेती हूँ और उसके साथ मैं एक पुट बाय करती हूँ okay. या अगर मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया तो मैं उसके साथ एक कॉल बाय करूंगी वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग एक मेरा अपना सिस्टम है जिसके बेसिस में मैं करती हूँ लेकिन फ्यूचर भी मेरा एक पर्टिकुलर पैटर्न है अगर उस पैटर्न में डेली वो ट्रेड आया और डेली एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है नहीं तो मैं उसे एक दो दिन कैरी फॉरवर्ड करती हूँ

और ट्रेडर्स से रिलेटेड भी और भी काफी सारे मिसकनसैप्शन है कि मतलब वो क्या अपना सारा जितना जैसे कमा रहे हैं पैसा तो लगा हुआ है बट वो तो इन्वेस्ट निकालना चाहते हैं ये करना चाहते हैं तो क्या निकालते हैं उसी को घुमाते रहेंगे अलग से लोन लेंगे फिर उसे फिर इनफ्यूज क्या से देखो ये क्या है ये इस ना एक बहुत मतलब इसमें ना एक बहुत ही ज़्यादा मिसकनसैप्शन है मान लो मैंने रिलायंस लिया दो हजार जी अब आज वो आ गया तीन हजार ठीक है और आपको पैसे चाहिए अब मैंने वो पैसा पूरा निकाल लिया मान लो मैंने दस लाख रुपए लगाया था वो पंद्रह हो गया मैंने निकाल लिया अब मैं इस पंद्रह का क्या करूँ क्योंकि मैं जिस पे भी लगाऊंगा अगर रिलायंस भागा तो सारे ही भागे होंगे ना केवल आउट ऑफ द बॉक्स रिलायंस छड़ के ऊपर नहीं जा सकता तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा आती है फिर आप फोमो में कोई और शेयर लेते हो क्योंकि ये आपको नहीं पता कि कब करेक्शन आएगा और मैं कब उस पैसे को दोबारा 2000 दो के लेवल पे तो 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 ये ये प्रॉब्लम तो हम अच्छा लैंड तो में भी है आपने मान लो आज एक फ्लैट लिया वो आपने एक करोड़ का ले लिया वो कल ढाई करोड़ हो गया अब आप ढाई करोड़ का जो लेने जाओगे वो भी तो ढाई के हिसाब से बढ़ चुका है ना हाँ। एक पॉइंट भी है निसकनसेप्शन है मार्केट में ऐसी बड़ी हवा हो चुकी है कि ट्रेडर सही में नहीं कमा रहे

तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ इसीलिए मैं अपना कोई स्क्रीन नहीं दिखाता प्राय उसका क्यों क्योंकि भाई साहब मैं हर वक्त प्रॉफिट में हूँ ये जरूरी नहीं है मैं मेरे को भी लॉस होता है किसी साल मेरा पंद्रह परसेंट किसी साल अट्ठारह परसेंट किसी साल बाईस परसेंट किसी चौबीस परसेंट भी, भी मुनाफा हुआ है अच्छा। किसी साल आठ परसेंट भी मुनाफे पे मैं छूटा हूँ तो मैं ये कहूँ कि मेरा हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा ये नहीं है जो लोग मुझसे सीखने आते हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई साहब कोई गारंटी नहीं है कि आप हंड्रेड परसेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे अगर आप किसी से सीखते हैं तो प्रॉफिट hmm. होएगा या नहीं होएगा ये तो मार्केट डिसाइड करेगी मार्केट इज गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट एंड लॉस यू कैन जस्ट टेक अ बेस्ट लेवल पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड फिर उन पर लग्जरी कार कहाँ से आ रही है अब ये तो यार मैं नहीं कह सकता। और भी है टैक्स नहीं, नहीं okay. तो, तो हाँ, हमारा तो 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 सारा, सारा हम कोई मतलब सारा जितना भी पैसा जा रहा है बैंक से जा रहा है जितना आ रहा है बैंक में आ रहा है कैसे बचा लोगे और भानु आप ना एंड रिजल्ट देख रहे हो आप उसके पीछे की मेहनत नहीं देख रहे हो एक पी एन एल दिखाने का मतलब है आपने एंड रिजल्ट दिखाया लेकिन उसके पीछे के कितना डिसिप्लिन कितना आप लर्निंग करके आए हो वो नहीं दिख रहा आज आप हो सब देख रहे हैं कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो सक्सेसफुल हो सबको लगेगा कि हाँ हमें भी ये करना चाहिए लेकिन कितनी मेहनत है कितने सालों से आप लगे हुए हो इस काम पे तो एक एंड रिजल्ट जो होता है ना उसको देख के फिर लोग फैसिनेट होते हैं बट ऐसा नहीं है आपको टाइम देना पड़ता है मार्केट में एग्जैक्टली तो इसीलिए

इसमें ये कहूँगा कि अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आप बीस परसेंट कैपिटल से घुसिए अगर आप उस स्टॉक में एक लाख रुपए लगाने वाले हैं तो आप बीस पच्चीस हज़ार लगाइए बस क्योंकि जनरली ये होता है कि जब आप घुसते हैं उसके बाद वो नीचे आता ही आता है चाहे वो थोड़ा सा आए या एक साल में आए या छः महीने में हु. तो आप उस वक्त तो और लगाइए उस वक्त लोग उसे बेच बेच के निकल जाते हैं अरे भाई जो चीज़ तीन सौ अच्छी लग रही थी वो ढाई सौ निकलने वाली कैसे हो गई वो तो और लेने वाली हो गई तो एक तरह से स्टॉक में सिप कर रहे हो आप इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट श्योर ऑफ योर ओन स्टडी यू आर वर्किंग ऑन बोरोड कन्विक्शन यू आर वर्किंग ऑन समे डेगा ये तो डुबाएगा ही डुबाएगा अगर मेरे लिए स्टॉक ए अच्छा है तो वो तीन हजार पे भी अच्छा है वो दो हजार पे भी अच्छा है वो पंद्रह सौ पे भी अच्छा है आपकी ये टेक है मेरी तो ये टेक है अगर मैं उसको छोड़ के फिर किसी और पे लगा रहा हूँ बहुत से लोग क्या करते हैं एक स्टॉक लिया तीन हजार पे वो पच्चीस सौ आ गया उस पर लॉस बुक कर लिया फिर कोई स्टॉक लिया तीन हजार पे वो पच्चीस सौ आ गया पता लगा ये बत्तीस सौ पहुँच गया था। अब वो अभी भी लॉस में है तो पाँच पाँच सौ के बार बार लॉस लेने से बेटर है स्टडी करो अपनी कंपनी को समझो हैज लेके चलो इस तरह से प्र, अपनी प्रोबेबिलिटी बनाओ कि मैं जितना लॉस हो वो झेल सकूं बस अच्छा। मार्केट तो काफी हो गई है ना थोड़ी ऐसी बातें कर ले पूजा जी कुछ ऐसा गिल्टी प्लेजर क्या है आपका जहाँ ओवर स्पेंड करती हो या आपको लगता हो कि अरे क्यों कर दिया कुछ भी हो सकता है वो स्पेंड के अलावा ओवर स्पेंड मेरे सबसे ज्यादा ज्वेलरी लेने का भैया ये तो ओवर स्पेंड करके मुझे ही मतलब <laughs>

आपने हैक भी बताया था <laughs> <I remember. laughs> नहीं नहीं मैं तो भैया बिग टाइम ये तो मैं मतलब अभी मुझे हाँ। फरीदाबाद में तो जाऊँगा क्या बात कर हो तो? हूँ कुछ फरीदाबाद में है की हाँ मेरे मेरे को मैं तो मैं बताया भी था एक वो आलू वाला है ना आलू की सब्जी बनाता है अच्छा आलू क्या था वो आलू प्याज अच्छा सबसे महंगी क्या क्या? आप दोनों की? पूजा जी आपकी तो yes. yes. मेरी है। है वो है या? फिर yes. तो समझ गया आपका दुख दर्द पीड़ा <laughs> <laughs> कोई बात नहीं समझ दे का भी काफी कलेक्शन है इसके अलावा दस हजार से लेके लाखों की तादाद में है वॉचेस मेरे पास और सबसे महंगी परचेज तो मैं कहूँगा मैंने घर जो लिया था वही था सबसे बड़ा एसेट तो मेरा फिर मेरे पास दो तीन दफ़ा फॉर्चूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रहीं फार्चूनर दो तीन दफा दो तीन दफा मर्सिडीज फार्चुनर सब थी मेरे पास दफ़ा क्यों अलग अलग मतलब बेच दी फिर खरीदिया नहीं नहीं मतलब मैं हर तीन साल में गाड़ी बदल देता जब मेरा बिजनेस चल रहा था तो तब मुझे लगता था गाड़ी बस तीन साल के लिए ही होती बल्कि तब तो 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 और और साल वाला रूल भी नहीं कोई रूल भी नहीं नहीं था था <laughs> अब आ गया वो कुछ तो ही नहीं। जी बस यही गाड़ी ही होता है और तो कुछ बाकी ये 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 स्टॉक मार्केट में जो झटका लगा सबसे सबसे बड़ा ये भी कह सकते हो बिगेस्ट ऑफ माय लाइफ अगर मैंने जब मेरी शादी हुई थी तब अगर पचास हजार लाख की वो कर दी होती तो मैं सौ करोड़ से ऊपर बैठा होता आज कितनी बड़ी लर्निंग है मतलब आप देख चुके हो पॉडकास्ट में करीब चार पाँच बार इतने बड़े ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडर ने खुद बोला है क्योंकि इतनी बड़ी गलती रही है कि उन्हें सही टाइम पे सिप नहीं शुरू करवाई तो एक लर्निंग लेके जाओ सिप तो एटलीस्ट करा लो बाकी तो दीपक सर से आप सीखते रहते हो पूजा सिखाती रहती हैं इसके अलावा मैम मैंने सर से पूछा था आपका क्या है वो फाइनल गोल क्या है मतलब आप क्या एस्पायर कर रहे हो लास्ट

क्या क्या गवर्नमेंट ऐसा कर ले तो वही आज शायद सेम आंसर होगा अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए निर्मला सीतारमन की जगह हम आपको देखें कल कि पूरा फाइनेंस ही संभाल रहे हैं देश का तो तब शायद ये सब चेंजेस कर लोगे इसके अलावा क्योंकि हम मार्केट से बाहर आ चुके हैं सुपर पावर की बात करें तो अगर आपको कोई सुपर पावर मिले कुछ भी हो सकती हो तो आप क्या चाहोगे कि यार ये मिल जाए और फिर मैं कुछ भी करूँ

ऐसे तो फिर मेरे भी सारे ट्रेड सही होने चाहिए <laughs> कॉपी कर लिया <laughs> <laughs> कॉपी कर लिया थी गलत बात है नहीं ट्रेड से ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में पीसफुल लाइफ होनी चाहिए जन कल्याण आपका मोटो समझ गया आपको इस मार्केट में आने के लिए या आज भी आपको कौन इंस्पायर करता है मतलब कोई ट्रेडर इन्वेस्टर है कोई पब्लिक फिगर है कोई फाउंडर है मेरे खर्चे मुझे कहते हैं कि जा इस मार्केट में जा कमा के ला आपने किसी को फॉलो नहीं किया कभी नहीं। हम बहुत नाम सुनते हैं राकेश मतलब सर मेरा मानना यह है कि ये सब नाम ना मतलब हम आज सुन रहे हैं जब ये कुछ बन चुके हैं ठीक है ना तो मैं इनसे इंस्पायर नहीं होता कहीं भी अच्छा, किसी की लर्निंग मैं नहीं किसी से भी इंस्पायर नहीं होता क्योंकि हमें ये नहीं बताया जा रहा कि इनकी जर्नी में इन्होंने धक्के कितने खाए

मेरे लिए इंस्पिरेशन क्या है मेरे लिए इंस्पिरेशन ये है कि इंसान हमेशा ना दुआओं से बनता है मैं आपको क्लियर बता रही हूँ हमने बहुत हार्डशिप देखी किसी का गलत मत करो और मूव ऑन करते जाओ नहीं कर सकते हाथ जोड़ दो लेकिन किसी के साथ गलत मत करो ऐसा हो नहीं सकता भगवान आपका साथ ना दे ऐसा मेरा मानना है मतलब कि ना अगर आप नहीं कर पा रहे किसी का वेलफेयर कोई बात नहीं आपकी अपनी लिमिटेशन है लेकिन अगर आप उसके साथ गलत नहीं कर रहे और अपना काम अपना कर्म अच्छे से कर रहे हो तो वो अपने आप में एक सुपर पावर है आपको अल्टीमेटली भगवान आपका साथ देगा ही देगा अच्छी नीयत से कोई भी चीज़ करोगे तो आपको फल मिलेगा और इसके साथ आपके लिए कोई इंस्पायरिंग कोई पर्सनैलिटी मेरे लिए दीपक इंस्पायरिंग है क्योंकि एट दिस एज ऑल्सो ही इज वर्किंग हार्ड जी अभी ठीक है ट्रेडिंग है अभी इन्फ्लुएंसिंग है इन्फ्लुएंसिंग भी आपको पता ही है टाइम कंज्यूमिंग है ऐसा नहीं है कि नहीं है मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि मुझे रिटायरमेंट की तरफ जाना है नहीं ही वांट्स टू मेक मनी एंड व्हाई नॉट अच्छा मेरे को क्वेश्चन दे दिया आपका रिटायरमेंट का प्लान नहीं है जल्दी नहीं रिटायर नहीं होना है 10 15 साल तो नहीं होना अभी उसके बाद भी नहीं होना अब मार्केट छूट पाओगे आपको लगता है जितना एडिक्टेड हो या चाहते हो प्यार करते हो ये भी एक मतलब बेनिफिट ही हो गया ना एक ट्रेडर या इन्वेस्टर का कि उसके लिए कोई लिमिटेशन ही नहीं है उसको लेबर तो करना नहीं है हार्डशिप तो करनी नहीं है वैसी। क्या बात अरे मतलब मतलब ऐसे तो मजदूरी दूर मजदूरी नहीं कर दूरी नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं हार्डशिप और वो सब माइंड गेम तो काफ़ी है बट अच्छा वैसे कोई रिटायर होने का प्लान नहीं है और कॉर्पस तो आपने दिया कि सौ करोड़ बनाना है काफी मजा आया दीपक जी पूजा जी मतलब बताइए बहुत बहुत धन्यवाद फिर बैठेंगे मुझे पता है कितने डाउट्स आने वाले अच्छा मैं रिक्वेस्ट करते जा रहा हूँ एक कि बहुत सारे डाउट्स आएंगे मैं आप को कंसल्ट करूंगा आप ही को रिप्लाई करवाने हैं कि भाई भानु इसको ये बता दे ठीक है। तो आप सब अपने डाउट्स वगैरह सब, सब ड्रॉप करो थैंक यू फॉर कमिंग लाइक कैसा लगा आपको थैंक यू बहुत, अच्छा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा भानु ऑलरेडी बहुत अच्छा है जय जय श्री राम आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा इस पॉडकास्ट फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेरी फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा दीपक एंड पूजा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मैं खुद उनसे कह के रिप्लाई कराऊंगा पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ हमारे चैनल की बाकी वीडियोज भी तो देखते जाइए